अभी क्या 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 ना सर पर क्या क्या साफ दिखता नहीं है सर। अच्छा साफ अभी नहीं दिख रहा है साफ, थोड़ा सा उसमें देखिए जो उसमें थोड़ा सा लाइट का तो इशू होता ही है, प्लस थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हल्का होता है लाइव में, लाइव में चूंकि बहुत चाहिए होता है। क्या क्या बोले राहुल, इधर चाहिए वो करना पड़ेगा, डोंट वरी हो जाएगा। खैर कोई नहीं, मतलब फिर भी आप देख सकते हैं, मतलब उसको किया जा सकता है। बाकी हाँ जब धीरे धीरे और बेस्ट होगा ठीक है, पहले हाँ रिक्वायर्स इट, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। आई थिंक इट विल टेक अ टाइम बट हो जाएगा। मोर देन 50% अरुण थोड़ा सा उसको कर दीजिए, थैंक यू। ठीक है डिजिटल बोर्ड का भी है, वो तो है ही यार, मोर देन मतलब अप्रॉक्स 3 लाख। तो अगर सब लोग 1-1 लाख दो दोगे तो हो जाएगा नहीं नहीं अगर एक साथ, मैंने इस बोला था ना कि एक साथ, डोंट वरी अबाउट इट, एक साथ जब आ जाता है ना तो एक पर्टिकुलर एक बड़ा काम हो जाता है। नहीं तो वही ठीक है, पैसे आते हैं बट वही पार्ट बाई पार्ट आता है, तो आप कितना भी चाह लो कुछ ना कुछ खर्च हो ही जाएगा, आप समझ रहे हो, आप कितना भी उसको कलेक्ट कर लो। लेकिन हाँ एक बार आता है तो हो जाता, हो जाएगा और आप ही लोग के वजह से होगा या सर, अरे होगा नहीं होगा, आप ही लोग के सपोर्ट से होगा यार। मेहनत तो हमारा जारी रहेगा, सपोर्ट आपका जारी रहना चाहिए, बाद बाकी काम होता रहेगा दोनों का। एक आज जो है वो मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा, ठीक है तो जीवन के अलग आनंद आएंगे आपको। बैठे 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 तो आनंद लेने के लिए तैयार हो? Yes, पक्का? Yes, तो आप जो नोट्स मिले हैं उसमें पेज नंबर सब लोग अपना चेकआउट कर लीजिएगा, 14 से 18 होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है। और मैं आपको जो थोड़ा सा पार्ट है जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर बढ़ते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, सच, झूठ तो कभी बोलता नहीं, बहुत कम झूठ बोलता हूँ मैं, झूठ बोलता हूँ लेकिन बहुत कम, बिना काम चलता नहीं है वैसे। हाँ वाह ये बात, उस झूठ से अगर किसी का भलाई है तो झूठ बोल देना चाहिए, तालियां। बस अब आइएगा जरा आगे, आज जो क्लास पढ़ेंगे मैं सच्ची बता रहा हूँ एक अलग लेवल का आपको बहुत 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 आनंद आएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोज का, मेरे क्लास का खासियत ये है कि जो पूरा कंप्लीट अगर नहीं देखेगा ना या नहीं क्लास करेगा कंप्लीट, उसको मजा आ ही नहीं सकता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अगर मुझे कोई 10-15 मिनट में जज करे ना शुरुआत के क्लास के तो फालतू आदमी है वो, क्योंकि पहले एक बार पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा अपन क्या है, आगे देखिएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग कंप्लीट जब भी करें कंप्लीट देखें। अब आगे जो कल हम लोग का डिस्कशन जहां खत्म हुआ था, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताया था मैंने, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के मैंने टाइप्स भी बताए थे, बताए थे नहीं बताए थे, क्या क्या बताए थे? तो उसमें मैंने दो, मैंने ऐसा कुछ आपको सीन बताया था कि इनडायरेक्ट में एक आपका प्रेसिडेंशियल था, एक आपका पार्लियामेंट्री था, और एक सेमी प्रेसिडेंशियल था जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंशियल कह रहे थे। अरे भूल गए क्या? तो एक बार मैं रिदम थोड़ा बना देता हूं आपका। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और इस इनडायरेक्ट में हमारे 3 पार्ट्स थे, एक थे आपका मान लो प्रेसिडेंशियल, और दूसरा पार्लियामेंट्री, और तीसरा सेमी प्रेसिडेंशियल, मतलब इन दोनों का कंबाइन। अब सेमी प्रेसिडेंशियल क्यों बोल रहा हूं सारा कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता न को करने का ठीक है। देखिएगा आप,
तो जीवन के आनंद लेने के लिए सबसे पहले मैंने कल एक बात बोला था कि इन तीनों को समझने से पहले कुछ छोटे 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 चीज समझेंगे, तब जाके उसको समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इधर सुनिएगा, क्या है, आपके ना नोट्स में एक डायलॉग लिखा होगा। तो डायलॉग सिंपल है, एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसका मीनिंग सिंपल है कि अगर भैया किसी एक को ही सारा का सारा पावर दे दिए तो भैया करप्शन होना तय है। अब देखिएगा जरा पेज नंबर 14 पे देखिए आप, और नीचे थोड़ा सा देखिए, हल थोड़ा सा, वहां पे मैंने एक प्यारा सा बनाया होगा ऐसा गोला, और उसमें लिखा होगा 1%। इसका मीनिंग एक है, आप सब लोग यहाँ कनेक्टेड हो ना, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि अगर एक आदमी के पास पावर है तो उसका क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान। तो सिंपल अभी एक फायदा ये कि भैया जो भी कुछ पास कराना है ये हो जाएगा, नहीं चुटकी बजाते हो जाएगा, और डिसएडवांटेज भी है क्योंकि वो चाहे तो उसका पूरा मिसयूज भी या सुनो जम के मिसयूज हो सकता है। तो दोनों उसके क्या फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब जरा आइएगा नेक्स्ट पेज पे, और हेयर यू गो, यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। पेज 15 आ गए, सुनिएगा ध्यान से, पीछे का कुछ किसी को याद हो नहीं आ रहा ना कुछ, मतलब कोई और एक्स वाई जेड नहीं याद आ रहा है ना, चलिए इधर आइएगा, सुनिएगा ध्यान से। लाइफ में प्रेजेंट में हमेशा रहिएगा, बता दे रहा हूं आपको, और एक साल दे देना लाइफ को, एक साल लाइफ को दे देना, जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नहीं दोगे तो यही एक साल आपको ना जिंदगी भर तर पाएगा कि काश एक साल दे दिए रहते, और इसी एक साल को आप जस्टिफाई करने के लिए पूरा ना घूमे हुए पूरा जिंदगी कि यार, क्योंकि आप एक साल पढ़े नहीं, आपका कुछ हुआ नहीं, अब आप इसी एक साल का भरपाई कर रहे हो पूरा जिंदगी भर। इसीलिए भरपाई मत करिए, अभी ही जितना करना है अभी भरपाई कर दीजिए, कम से कम ना ऐसे छुटकारा ले लो ऐसे। कैसे पता है, सोच के देखो यार जिंदगी में कब तक पढ़ेंगे, एक साल रगड़ के पढ़ लेते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। मेरे बात समझ में आ रही है? जिंदगी भर सिर्फ पढ़ने के लिए क्या? नहीं, लेकिन एक साल रगड़ के पढ़ दो कि आपको भी लगे कि पूरा दे दिया है एक साल, अब जिंदगी तेरे हाथ में, बात खत्म। लेकिन वो एक साल आपको फील खुद होना चाहिए कि मैंने एक साल दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना दे देना, देना नहीं देना, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मेरा वादा है। आ गया ना आप? तो मैंने 1% के पास पावर है तो मैंने बोला आपको, तो पहला पॉइंट ये था कि भैया पावर एक जगह पे किसी एक को नहीं पूरा का पूरा मिलना चाहिए, उसका कुछ फायदा भी है उसका कुछ नुकसान भी। तो फर्स्ट पॉइंट ए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हिला देगा आपको। तो सेकंड पॉइंट में जो आपको मैंने एक नोट्स पे लिखा है उसमें जरा ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने से पहले एक आपको वर्ड मिलेगा, हेड ऑफ स्टेट। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HOS। क्या है अभी समझा देंगे, चिंता नहीं करना, इधर देखना। और एक लिखा है मैंने हेड ऑफ गवर्नमेंट, इधर प्लीज देखना, नोट्स में भी मत देखना। और भैया आज प्रिंट करा के लाया हूं, कमिटमेंट क्या था इसलिए, मशीन खराब था फिर भी करवा के लाऊ, गर्म आपको मिला है ताजा ताजा, समझ में आ रहा है? खैर इधर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या फर्क है ऐसे समझना। गूगल तो जानते ही आप लोग, तो दो जो गूगल है ना, तो गूगल साहब जो है जब बना था गूगल तो लैरी पेज और एक और जो आदमी गूगल के संस्थापक उनको बोले जाते हैं, जो कि आमतौर पे लोग रेलवे वाले और SSC वाले विथ रिस्पेक्ट रटते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि गूगल का संस्थापक कौन था? लैरी पेज। एक और नाम भी उसके साथ है, चिंता नहीं करिएगा, बट लैरी पेज को थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। सुनिए इधर, मान लीजिए गूगल बनाया, लैरी पेज किसने बनाया? मर गया, खत्म, सुनना ध्यान ये बोले मर गया, अरे जिंदगी में जब आया उसको जाता समझ इधर, इसीलिए इधर इधर देखिएगा। अब ये जिंदा आया मर गया हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन बनाए कौन, क्या बनाए? तो गूगल बाबा बनाए। और सुनिएगा, लेकिन आज गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। अब जरा गौर फरमाइएगा, बस मैं जो बोल रहा हूं बस वहीं तक रहिएगा, समझते जाना। बनाया तो इसने था, लेकिन आज जो भी कुछ डिसीजन लेना होता है, जो भी कुछ साइंस होते हैं, कौन करता है? सुंदर पिचाई। सेम हेड ऑफ स्टेट वो होता है जो सिर्फ सेरेमोनियल हेड है,
लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जो पूरा का पूरा सिस्टम को चलाता है। अब सुनना एग्जांपल, हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट हो गए, सुनना, लेकिन पावर तो पीएम के पास होता है ना भाई। और इंडिया में जो पीएम है, बोला जाता है ना पीएम सीएम और डीएम, यही तीनों जॉब है, बाद बाकी तो सब ऐसे चलते रहते हैं। अरे समझ में सुनना, ये जो पीएम सीएम और डीएम का कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि पीएम के पास ना बहुत पावर है, क्योंकि जितने सारे डिसीजंस होते हैं पैसे से रिलेटेड, सारा माल खजाना पीएम डिसाइड करेगा। लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, ये है सेरेमोनियल हेड। सुनना जरा, क्या है सेरेमोनियल, सेरेमोनियल हेड मतलब होता है औपचारिक। जितना कुछ भी डील या बिल या जो भी एग्रीमेंट साइन होता है उसमें प्रेसिडेंट के नाम से साइन होता है। लेकिन कमाल की बात यह है सारा मलाई पीएम मजा है। अरे समझ में, बट इसलिए मैंने बोला बनाया तो लैरी पेज ने था, लेकिन काम कौन कर रहा है, सुंदर पिचाई, और सारा का सारा सिस्टम रन कर रहा है। तो उसी तरीके से हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या पीएम। अरे समझ आ रहा है। अब जरा आप अपने नोट्स में देखना, इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम पूरा का पूरा आगे समझेंगे जो हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट्स को। और सुन लेना, इधर देख लेना, दो क्या कॉन्सेप्ट बोला। पहला बोला एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर एक आदमी को पावर देते हो तो एक आदमी को पावर दोगे तो उसके फायदे भी और उसके नुकसान भी है। और दूसरा मैंने बोला, हेलो, हेड ऑफ स्टेट वो होता है जो सिर्फ औपचारिक हेड है, और हम यहाँ पे उसको क्या बोले हैं, प्रेसिडेंट को। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जो सरकार को चलाता है और सारे फैसले वो लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का समझ आ रहा है ना। तो दिस इज हेड ऑफ स्टेट एंड दिस इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये दो पॉइंट माइंड में रखना, अब इसके बाद जो आने वाला है वही आपके सामने पूरा का पूरा खजाना है। तो सबसे फर्स्ट आते हैं और अब डिस्कशन करेंगे क्या, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या क्या टाइप्स बोला था, पहले फर्स्ट प्रेसिडेंशियल, और दूसरा मान लो इसको खींच लेते हैं दूसरा पार्लियामेंट्री, एंड थर्ड इज, तो इसमें प्रेसिडेंशियल प्लस पार्लियामेंट्री, इसको बोल रहे हैं सेमी प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है, सुनेगा, सेमी पार्लियामेंट नहीं, सेमी प्रेसिडेंशियल, सुनेगा ध्यान से, उसमें पार्लियामेंट लिखा हुआ क्या, प्रेसिडेंशियल लिखा होगा, मतलब रात में मैं सोया था ठीक से, वो अलग बात है, रात में ही लिखा था, लेकिन होश में लिखा था मैं, सस्ता वाला नहीं टिकाया था। खैर कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, नो प्रॉब्लम, गलती होगी सुधारेंगे अपन। मैं हाँ, हो जाता कोई बात नहीं, हो जाता। और ऐसे भी याद रखिएगा, गलती मेरे से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान अपन नहीं है, तो हमसे भी गलती होगी, लेकिन हाँ गलती करके सुधारना जरूरी है, और उससे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है, नहीं तो आधा से ज्यादा लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम गलत किए। अरे समझ में, बोलते ऐसे चौड़ के हम कैसे कर सकते हैं, जाके देखे अरे इजीली किया था इधर, हाँ बहुत अच्छे। तो इधर चोरी और लठी जोड़ी होता है, दोनों सीना जोड़ी नहीं लठी जोड़ी होता है। देखिएगा, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल, इन तीनों को समझने के लिए वो जो पीछे का दोनों कॉन्सेप्ट है वो जानना जरूरी है, और उसी का यूज यहां आएगा। अब जरा देखना, इधर प्रेसिडेंशियल आपको दिख रहा है, अब इधर प्रेसिडेंशियल सुनना, इधर प्लीज पहले देख लेना, वहां पर ऑलरेडी तो मैं सारा एक एक लाइन आपको बताऊंगा, इसका इसका मीनिंग आपको पहले समझ। HOS बराबर HOG, यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। सुनना प्लीज, समझना है, बहुत बारीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ स्टेट मतलब मैंने बोला था क्या, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, पीएम। हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब पीएम। मेरे पास समझ में आ रही है। अब आगे जरा देखना ध्यान से, आगे आगे, मतलब किसी भी कंट्री में अगर, सुनिएगा, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक ही आदमी हो, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक ही आदमी हो, उसको बोलेंगे प्रेसिडेंशियल। सुना ध्यान से, उसको क्या बोलेंगे, अभी जितना आगे जाते जाओगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो सुनना, एग्जांपल यूएसए, यूएसए में पीएम
कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, वहां प्रधानमंत्री गए झुंझुना लेने, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री उधर कुछ भी नहीं चलता, वहां एक ही चीज चलता है, क्या? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो बोलेगा वही होगा। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी क्या है? प्रेसिडेंट है। पीएम का कोई लॉजिक उधर नहीं। अब आप अपने नोट्स पे सिर्फ कॉर्नर साइड पे देखना जहां बोल रहा हूं। प्रेसिडेंशियल में देखो, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पावर एक ही है, मतलब कोई एक ही आदमी है जिसके पास दोनों का पावर है। वहां प्रधानमंत्री होते नहीं है, वहां सिर्फ क्या होते हैं? जरा राष्ट्रपति होते हैं। तो ऊपर का देखो सिस्टम क्या लिखा हूं, प्रेसिडेंशियल लिखा हूं। तो एक ऐसा कंट्री जहां सिर्फ प्रेसिडेंट ही सब का सब सब कुछ हो, उसी को बोल रहे हैं प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल तब बोलेंगे जब हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। अरे समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? अब जरा आना आगे, ठीक है। दूसरा यहां पे अब एक बात को समझने के लिए आप अपने नोट्स में जरा देखना, लेफ्ट साइड पे पहले मैंने लिखा है, आप सोचना इधर इधर खुद से सोचना, मेरी तरफ देखो। अगर किसी एक आदमी को पावर दे रहे हो, मैंने बोला प्रेसिडेंट को आप पावर दे रहे हो, तो अगर किसी एक आदमी को पावर दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसको इलेक्ट करना पसंद नहीं करोगे क्या? आप चाहोगे ना कि उसको आप खुद चुनो? क्योंकि भाई उसको इतना पावर जब किसी को दे रहे हो तो कम से कम आप एटलीस्ट चाहोगे तो सही कि भैया हम इसको चुने, राजा के थ्रू ना बने। आप चाहोगे नहीं चाहोगे? अरे सब सुस्त है, ठीक ठाक हो सब? इधर इधर देखना। तो डेफिनेटली जब प्रेसिडेंट को आप इतना पावर दे रहे हो तो आप चाहोगे कि हम प्रेसिडेंट को चुने, यस और नो? इधर इसीलिए प्रेसिडेंट को अगर चुनना चाह रहे हो आप, जिसके पास पूरा पावर है, तो क्या आप सोच के पहले बताना, सोचना थोड़ा। कल मैंने आपको डायरेक्ट इलेक्शन भी समझाया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी समझाया था। अब जिसके पास इतना पावर आप दे रहे हो, उस आदमी को आप इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनना चाहोगे कि डायरेक्ट इलेक्शन से? कुछ समझ आ रहा है? आप खुद चाहोगे ना? भाई इनडायरेक्ट से आप कैसे तो नहीं चुन सकते। आप चाहोगे कि जब हम एक आदमी को पावर दे रहे हैं तो सब हम वोट दें। इसीलिए वहां पे हर एक नागरिक प्रेसिडेंट का वोट डायरेक्ट देता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि जब किसी एक आदमी को आप पावर दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप हम अगर किसी और को चुने और वो किसी और को चुने, वो तो भैया गड़बड़ बात है, क्योंकि पावर किसी को दे रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यस और नो? तो डायरेक्ट इलेक्शन, सुनिएगा ध्यान से, आप बस कॉन्सेंट्रेट रहना, जो भी हो रहा है चलने देना सब कुछ। डायरेक्ट इलेक्शन नेसेसरी है, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन बहुत ही नेसेसरी है। और वो डायरेक्ट इलेक्शन अगर नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपका जो वैल्यू है प्रेसिडेंट का वो रह किया जाएगा, और फिर हर आदमी का तो अपना क्या है, अपना राइट्स, अपना अधिकार सारा खत्म ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी पहली बात। दूसरा आगे आना, मैंने यहां लिखा है, देखना, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू इलेक्टेड एंड डायरेक्ट इलेक्शन। पहली बात, आप जब किसी को चुन भी रहे हो तो आप चाहोगे ना कि भैया इसको इलेक्शन से ही चुने, और इलेक्शन में भी किस तरीके से? डायरेक्ट इलेक्शन से, क्योंकि यहां सिर्फ प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन तो भैया होना ही चाहिए। अब मैंने जो वहां लिखा है इसमें और आपको लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी बताओ? मैंने वही बोला, मेहनत अपन करते हैं इसलिए कि आपका टाइम बचे। बाकी आइएगा नीचे नोट में, जरा जो दो चीज लिखा हो ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट भैया पूरा समझ में आ रहा है, काफी कुछ बदलेगा। सुना इधर, पहले समझ लेना फिर वहां पे देखना। अब हेड ऑफ स्टेट बोलूं या हेड ऑफ, इधर देखिएगा सभी लोग प्लीज, यहां पे समझ लेना एक बार, देखिएगा। अरुण सॉरी यार, फिर एक बार कर देना, सॉरी सॉरी, ठीक है, इधर आना प्लीज, रिदम नहीं खराब करेंगे। अगर सुनना प्लीज, अगर हेड ऑफ स्टेट, सुनो, इलेक्टेड हो, प्लीज पहले समझिएगा, हेड ऑफ स्टेट क्या हो? इलेक्टेड। तो मैंने बोला है उस बात को ध्यान रखना, वो कंट्री हमेशा रिपब्लिक होगा। पहले सुनना, अभी पहले सुनना, अभी इसको और इलेबोरेट करेंगे, इससे पहले अभी आराम से पेशेंस रखना। पहले जाओ अब नोट्स में और बीच वाला खंड देखो, जो पार्लियामेंट्री दिख रहा है आपको, उसमें आपको देखना दो चीज दिख रहा होगा, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इक्वल टू पीएम, और एग्जांपल इसमें तो समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं। तो सुनो सुनो सुनो,
यहाँ राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक हेड है, सेरिमोनियल हेड इसीलिए बोलते हैं उसको, लेकिन पूरा का पूरा मलाई कौन, पीएम ले रहा है। तो रियल पावर जो है, रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास, और इसके पास है सेरिमोनियल पावर, औपचारिक पावर। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे आ रही नहीं आ रही? तो भैया इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री। सुनना ध्यान से, क्यों? क्योंकि यहां पे पीएम बैठते हैं कहां, पार्लियामेंट में। मतलब पीएम का घर कहां है, पार्लियामेंट। तो भैया पीएम के पास ज्यादा पावर है, मतलब पार्लियामेंट के पास इनडायरेक्टली ज्यादा पावर है। मतलब यहां प्रेसिडेंट तो क्या है, औपचारिक हेड है ना, यहां तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति है और प्रेसिडेंट ही पीएम भी है। लेकिन यहां प्रेसिडेंट कोई और है और पीएम कोई और है, और पावर किसके पास है, पीएम के पास। तो क्या हम इसको प्रेसिडेंशियल बोलेंगे क्या? अरे प्रेसिडेंशियल बोलेंगे, किसी को लग रहा होगा तो बोलना, ठीक है? तो आप सुनना ध्यान से, हम इसको बोलेंगे पार्लियामेंट्री। अब इस बात को जरा समझना, जरा आना थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे आओगे तो हेड ऑफ स्टेट, सुनना, हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट है, कमाल की बात है। हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम है, लेकिन सुनो यहां हेड ऑफ स्टेट ग्रेटर देन, यानी कि प्रेसिडेंट ग्रेटर देन पीएम होगा। सुनना ध्यान से, इधर देखिएगा, यहां पे क्या है, सुनिएगा प्लीज, एग्जांपल समझिएगा। बोर नहीं हो रहा है ना, वापस आता हूं, जरा समझना, बहुत मजा आएगा आपको। इधर देखो, जब हेड ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, राष्ट्रपति ही पीएम हो, तब वो है आपका क्या, पार्लियामेंट्री में औपचारिक हेड है हेड ऑफ स्टेट, लेकिन रियल पावर है हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास, यानी कि पीएम के पास। अब देखना यहां पे अब यहां समझना, यहां प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा, पीएम का भी इलेक्शन होगा। और सुनो, यहां मैंने बोला पीएम के पास रियल पावर है, पीएम के पास क्या है, लेकिन इसके पास रियल पावर नहीं है, सुनना। लेकिन यहां पे इसके पास भी रियल पावर है और इसके पास भी रियल पावर है, दोनों के पास कुछ कुछ रियल पावर्स है। लेकिन कमाल की बात आपको मैंने बोला था कि पावर कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमको जिस तरह से मैंने बोला था कि सेंटर को या तो बड़ा रखना पड़ेगा या स्टेट्स को, क्योंकि किसी भाई कैसे आप कर सकते हो कि दोनों पावरफुल रहे, यस और नो? तो किसी ना किसी एक को तो पावरफुल होना ही पड़ेगा। तो सुनो, जब दोनों के पास, इसके पास याद रखना रियल पावर दोनों के पास है भैया, यहां पे कोई सेरेमोनियल हेड नहीं है, यहां औपचारिक ना तो ये है ना ही ये है, लेकिन हम किसी एक को पावर ज्यादा देते हैं, और जिसको पावर ज्यादा देते हैं उसको हम प्रेसिडेंट को पावर देते हैं। इसीलिए रसिया एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि रसिया में देखो व्लादिमीर पुतिन, सुनते हो पुतिन पुतिन, बात समझ आ रही है? वहां पे आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानोगे, लेकिन राष्ट्रपति का नाम जानोगे, क्यों? और इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल, क्योंकि प्रेसिडेंशियल में तो कंप्लीट है ही, यहां पीएम भी है ना, अरे यहां पीएम था क्या, लेकिन यहां पीएम भी है, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट का पावर उससे ज्यादा है। तो सेमी नहीं हुआ, सेमी मतलब होता है बीच बीच में, मतलब एक हुआ कंप्लीट, एक हुआ सेमी, मतलब कंप्लीट हुआ उसमें पीएम का कोई रोल नहीं है, लेकिन जहां है प्रेसिडेंट भी है पीएम भी है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे ज्यादा पावरफुल रखता है। रसिया श्रीलंका देखो, वहां पे सुनना ध्यान से, श्रीलंका में भी सेम चीज है, वहां पे महिंदा राजपक्षे, आप सुनिएगा ध्यान से, दोनों भाई है, एक प्रेसिडेंट है एक पीएम है, भाई कमाल का बात है, समझ रहे ध्यान से, मतलब घी दूध की नदियां बह रही है। इधर इधर देखना, आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा कि आखिर रसिया सेमी प्रेसिडेंशियल क्यों है, श्रीलंका सेमी प्रेसिडेंशियल क्यों है। हवा में बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? उधर देखना, इधर हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या होगा, प्रेसिडेंशियल। एग्जांपल यूएसए। और पार्लियामेंट्री की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंशियल है, जो कि सेरेमोनियल हेड है, औपचारिक पावर है, रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास, इसलिए पार्लियामेंट्री हो गया। और सेमी प्रेसिडेंशियल में दोनों के पास रियल पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ज्यादा रियल पावर है कंपैरेटिवली पीएम के, इसलिए इसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा नोट्स पे आना और गौर फरमाना, तो अलग ही लेवल का, क्या क्या
अभी यार यूके बताया नहीं हूँ, अभी आएगा, अभी आप चाइना भी आएगा, सब आएगा, थोड़ा बस पेशेंस रखिएगा, मैंने अभी बताया नहीं है, थोड़ा सा अभी डिसाइड मत करो, बोला ना ओपिनियन बिल्कुल मत बनाया करो, मैं जब बता दूँ ना उसके बाद अपने आप तुमको नॉलेज आ जाएगा, चिंता मत करो भाई, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब पहले देखना, पहले दिख गया आपको कि पहले मैंने जहाँ लिखा है HOS इक्वल टू HOG प्रेसिडेंशियल, फिर आपको पार्लियामेंट्री समझ आ गया, फिर आपको सेमी प्रेसिडेंशियल समझ आ गया। अब नीचे जो दो नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट जो है बहुत अपने आप में बहुत कुछ है, सुना इधर, मैंने अभी आपको एक बात बोला था, प्लीज ध्यान देना है, अभी इधर दे इधर, अगर एक कान दिमाग नाक पूरा एकदम खोल कर रखना, अभी आपको फील होगा एकदम से ऐसे हो गया, सुनना, अगर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, हेड ऑफ स्टेट क्या हो, इलेक्टेड, जब मैं बोलूं तो चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उस देश को हम रिपब्लिक ही बोलेंगे, सुनना ध्यान से, अगर किसी देश में प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शन हो रहा है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, तो उस देश में हम वर्ड उसको बोलेंगे दिस कंट्री इज रिपब्लिक, और रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र होता है, सुनना ध्यान से, रिपब्लिक का मतलब क्या होगा, अब एग्जांपल पहले सुनना समझना, इंडिया क्या है, रिपब्लिक है, yes. बोलते हैं ना गणतंत्र दिवस मनाते हुए अपन, yes. हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को तो चुना ही जाता है ना, नहीं हम विधायक को चुनते हैं, MP को चुनते हैं, और वो लोग फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो चुना हुआ कि नहीं हुआ, अब आना जा रहा इधर, हेड ऑफ स्टेट मैंने बोला इलेक्टेड होना चाहिए, भाई प्रेसिडेंट को सारा पावर दी हो तो इलेक्शन तो हो ही रहा है, मैंने बोला अगर प्रेसिडेंट को आप इलेक्शन से चुनो चाहे डायरेक्ट चाहे, क्या होना चाहिए, रिपब्लिक, तो US से भी तो रिपब्लिक है, अब सुनना ध्यान से, अब जो जो कंट्री पढ़ाया हूं ना वो सारा कंट्री समझना, आपको मैंने पढ़ाया था कार, अब सुनना, आप सुनना, मैंने आपको पढ़ाया था DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पढ़ाया था, तो रिपब्लिक वर्ड जो यूज हुआ क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट होगा और प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्टेड डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली, लेकिन आप किसी देश के सिर्फ नाम से पता कर लोगे कि वहां पे प्रेसिडेंट है कि नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री है कि सेमी प्रेसिडेंशियल है, मेरी बात समझ आ रही है, अरे समझ आ रही है, तो RCR जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड यूज हुआ है वो मजे मजे में नहीं यूज हुआ है, कि अपन मजे लेते हैं, समझ में आ रही है, अब आप चेक रिपब्लिक पढ़ोगे, अरे समझ में, अब जो आपको पढ़ाया हूं कंट्री अगर नहीं आता तो आप बोलते पहले तो DRC बताओ, अरे समझ में, बाद में रिपब्लिक बताने, यस और नो, तो इसीलिए जो बताता हूं कि जो वर्ल्ड मैपिंग है वो किसी एक सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, और मैंने शुरुआत में कि पढ़ा लें दो तुम जितना लोग जितना लोग सुने सुनो जितना जितने लोगों का नजरिया है मैं बता रहा हूँ ना, नाम सुनो, जब देखो जब मुझे फीलिंग आएगा ना अंदर से तब मैं बोलूंगा, तब मजा आता है, बिना फील का मजा नहीं आ रहा समझ में, इसलिए बोलता हूँ पढ़ने में आनंद आना चाहिए, सुनिएगा ये जो आपको पूरा का पूरा रिपब्लिक है, अब आपको आइडिया लगा लेना है कि भैया रिपब्लिक कौन होगा और कौन नहीं होगा, सीधा उसको प्रेसिडेंट को पकड़ो और प्रेसिडेंट को पकड़ के देखो कि इसमें इलेक्टेड है कि नहीं है, और एक बात याद रखना, इस बात से हमको मतलब नहीं है कि चुनाव फेयर होता है कि नहीं, अनफेयर होता, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि चुनाव होता है कि नहीं, बात खत्म, फेयर अनफेयर हमको नहीं पता, अगर चुनाव प्रेसिडेंट का होता है तो कंट्री रिपब्लिक होगा, दैट्स इट, क्लियर है यहां तक, yes, तो जिस भी देश को गणतंत्र बोलोगे डेमोक्रेट रिपब्लिक बोलोगे तो उसके पहले सोच लेना कि रिपब्लिक है तो प्रेसिडेंट भी वहां इलेक्टेड होगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, जरा आना नीचे, इफ हेड ऑफ ए स्टेट इज इक्वल टू नॉट इलेक्टेड देन उसको बोलेंगे मोनार्की, सुनना इधर 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 समझो, इसलिए बोला था धैर्य रखोगे तो आएगा, समझ में आ रहा है, धैर्य नहीं रख तो, अब हम वो टीचर तो नहीं है कि हम इधर देखना, हेड ऑफ ए स्टेट अगर क्या मैंने बोला नॉट इलेक्टेड इधर मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव वहां नहीं होता हो तो क्या होगा मोनार्की, क्या होगा, अब भैया यूके से छुपा थोड़ी है, मेरे पास सुनना ध्यान से, यानी कि प्रेसिडेंट अगर मैं इसी को बोलूं, सुनो नॉट इलेक्टेड को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं हेरेडिटरी
वंशानुगत, जो वंश बाय वंश राजा का बेटा है राजा, बट हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, हमें सिंपल ध्यान देना है इलेक्टेड रिपब्लिक नॉट इलेक्टेड मोनार्की। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही समझ? पक्का? तो अभी तक हमारा कुछ डिस्कशन ऐसे चला है, सुनना ध्यान से, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, उस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तीन टाइप्स हैं, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल। उसके अंदर हमने दो पॉइंट पढ़ा कि अगर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा तो रिपब्लिक होगा कोई भी देश, और अगर हेड ऑफ स्टेट नॉट इलेक्टेड होगा देन उसको मोनार्की बोलेंगे। मोनार्की मतलब राजा का शासन। ठीक है यहां तक? पक्का? जरा एक लेवल नीचे आना, नीचे नीचे कंटिन्यू रखना और बिल्कुल एकदम रिदम में रहना। अब एक बात को वहां पे जो लाइन में लिखा है जरा ध्यान से देखना। सो ऑल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वहां जो मिलेगा आपको फॉर्म विल बी रिपब्लिक। अब आप सोच के देखो, जहां जहां प्रेसिडेंशियल होगा वो रिपब्लिक होगा। प्रेसिडेंशियल मैंने जैसे ही बोला इसका मतलब क्या, इलेक्टेड तो होगा ही, और प्रेसिडेंशियल, अब सुनना ध्यान से, किसी भी देश को आप बोलते हो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तब बोलोगे जब वहां पे इलेक्शन हुआ है। डेमोक्रेसी का तो फर्स्ट ही रूल यही है कि भैया इलेक्शन वहां हुआ होना चाहिए, यस और नो? तो अगर प्रेसिडेंशियल में हम बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चुनना जरूरी है, तो इलेक्शन तो हो ही गया, हो गया नहीं हो गया? तो डेमोक्रेसी तो हो ही गया, प्लस अब क्या बोल रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट इज इक्वल टू इलेक्टेड, तो रिपब्लिक भी होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया हो चाहे इनडायरेक्ट से, हम उससे मतलब नहीं है, वो रिपब्लिक कंट्री होगा। अब जरा नीचे आना, नीचे मैंने लिखा है सोल प्रेसिडेंसी, हाँ, उसके बाद एग्जांपल इंडिया, रिपब्लिक ऑफ ईरान वर्ड यूज होता है, उसके बाद कोरिया, डीआरसी, यहां हर जगह प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहे फेयर या अनफेयर। इसीलिए आप सुनोगे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बोलते रहता है वो पगला, बम फोड़ देंगे, मेरा समझ में आ रही है? तो भैया वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, मतलब हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सुना ध्यान से, जब तक हेड ऑफ स्टेट आपका इलेक्टेड है तब तक कोई कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। अरे क्या है? रिपब्लिक। नॉट इलेक्टेड क्या हुआ? मोनार्क। एक स्टेप पहले आगे जाना, जरा आना और यहां देखना, इंडिया में यहां आपको या तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मिलेगा या पार्लियामेंट्री मोनार्क। अब इधर सुनना दो कॉन्सेप्ट प्लीज, यहां देखना, अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक स्टेप आगे। मोनार्क हम कब बोल रहे हैं? जब नॉट इलेक्टेड हो, लेकिन अब दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है कि आप मान लो पार्लियामेंट्री तो हो, क्या हो आप, लेकिन आप अपने प्रेसिडेंट का चुनाव कराते हैं, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, और मैंने क्या बोला, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हमसे मतलब नहीं है, हम यहां तो सुनो, यानी कि अगर प्रेसिडेंट पास इंडिया में बोले कि पार्लियामेंट तो है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, और हम प्रेसिडेंट का चुनाव भी कराते हैं, तो उस कंट्री को क्या रिपब्लिक नहीं बोलेंगे? तो हमारे पास क्या हुआ, इंडिया को क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन कुछ ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि पार्लियामेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो सकता, और जब प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता तो क्या बोलेंगे? अरे मोनार्की नहीं बोलेंगे क्या? तो पार्लियामेंट्री तो है लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, तो पार्लियामेंट्री मोनार्क। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए यूके में पार्लियामेंट है लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, तो यूके इज व्हाट, पार्लियामेंट्री मोनार्क, एंड इंडिया इज व्हाट, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। अरे समझ में आ रहा है? पक्का? एक एक चीज क्लियर रखना, वापस आते हैं, सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला, वापस समझ लो इधर ध्यान से, पार्लियामेंट्री में मैंने बोला हेड ऑफ स्टेट भी रहेगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रहेगा, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यूके में भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट वहां भी है, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने बोला था पार्लियामेंट को वहां कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा पावर होता है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, इसीलिए यूके इज पार्लियामेंट्री मोनार्क एंड इंडिया इज पार्लियामेंट्री व्हाट, रिपब्लिक। अरे पक्का समझ आ गया? अब जरा आना सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म विल ऑलवेज बी रिपब्लिक, बिकॉज प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा देन रिपब्लिक बोलेंगे ही बोलेंगे, एंड
यहाँ प्रेसिडेंट ग्रेटर देन पीएम, तो हम उसको जरूर चुनेंगे। भाई आप प्रेसिडेंट को जब पावर दे रहे हो तो चुनोगे नहीं चुनोगे? तो सेमी प्रेसिडेंशियल भी तो हमेशा आपका रिपब्लिक होगा, यस और नो? और एक लाइन मैंने बोला था, जहां जहां प्रेसिडेंशियल होगा वहां वहां रिपब्लिक होगा। और प्रेसिडेंशियल में तो आप ऐसे भी प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर खींच लिए, तो आप उसको चुनना तो चाहोगे ना। इसीलिए रशिया में पुतिन रहते हैं पूरा एकदम हीरोबाजी में, आ रहा समझ में? और उसने ऐसा 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 दिमाग लगाया भाई साहब। पुतिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, मैं आपको बोलूं तो पुतिन सीक्रेट एजेंट काम करता था रशिया में, वहां से उसने रिजाइन करके वापस पंचायत लेवल से चुनाव लड़के तब जाके प्रेसिडेंट बना। तो भैया ऐसा मतलब इतना आसान नहीं है, वो अलग बात है। उसका फाइट देने वाला था उसको, उस पर बहुत सारे आरोप भी है, वो जहर दे के उसको मारने का भी आरोप है, एक विरोध में पार्टी बन रहा था तब भी, वो पार्ट है, वो बहुत सारा चीज है उसका, हमें उसमें नहीं जाना है। बट हम सिंपल एक बात बोल रहे हैं कि रशिया में आखिर क्यों पीएम का नाम क्यों नहीं सुनता, क्या समझ में नहीं आया? yes, और इंडिया में क्यों पीएम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मेरे बात समझ में आ रही है? आपको पता है सुनो। और यूएसए में आप जो बाइडन का नाम आखिर क्यों जानते हैं, क्यों वहां के राष्ट्रपति को ही जानते हैं, प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। और हम यूएसए को आप क्वेश्चन नहीं पूछता है कि क्या यूएसए रिपब्लिक है कि नहीं है, तो मुझे बताने की जरूरत है क्या? आप तो बस दिमाग में रखना कि प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा उसका, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, उसको क्या बोलेंगे? बात खत्म, आया समझ? अरे मजा आ रहा है क्या? आना जरा मजे लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे, 16 पे आना जरा, ठीक है? आगे जरा आना, मैं बता रहा हूँ ना, आपके जिंदगी के सारे नस इतने इतने डेवलप हो जाएंगे ना एक एक कॉन्सेप्ट समझ के, कि आपको खुद ही मजा आएगा और मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे पेज 16 पे आ जाना, वहां मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है, इस नोट पॉइंट को बस मैं बता रहा हूं, सुन लेना। ऑल इलेक्टेड, और समझ, जब मैं ये लाइन बोल रहा हूं ना तो आप उसको मीनिंग समझने का थोड़ा कोशिश करो। मैंने बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा है, गलत की सही, ये इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सबसे फर्स्ट, ऑल इलेक्टेड प्रेसिडेंट आर रिपब्लिक, जरा समझ के देखो, ऑल इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स आर रिपब्लिक। तो भाई प्रेसिडेंट अगर है और इलेक्टेड है तो क्या रिपब्लिक नहीं होगा? यस और नो? दूसरा, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कॉन्सेंट्रेट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो हो, ये वाला सारा पावर किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास नहीं था। कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है पूरा पावर एक जगह, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, ध्यान, एकाग्रता, एकाग्रचित। तो भैया सारा पावर, सारा ध्यान एक जगह, तो सारा पावर प्रेसिडेंट के पास। तो भैया सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कॉन्सेंट्रेट पावर विथ प्रेसिडेंट। तीसरा ना, डेमोक्रेसी ऑलवेज रिक्वायर्स एन इलेक्शन। मैं भी बोला था आपको कि जहां जहां डेमोक्रेसी होगा वहां वहां इलेक्शन होना चाहिए। आना, ओनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी रिपब्लिक और मोनार्की। सुनना इधर, तो सिर्फ यही हो सकता है ना? हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार यहाँ पे। तो ओनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैन बी पार्लियामेंट रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री मोनार्की। पार्लियामेंट्री मोनार्की का एग्जाम्पल क्या? अरे क्या, यूके। और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक का अपन लोग, ठीक है? अब आगे आना जरा नेक्स्ट। So, if president is equal to elected, then parliamentary republic. If president is not elected, the parliament monarchy. Like? Clear है पक्का? Yes. अब जीवन के एक अलग आनंद लेने के लिए और तैयार हो जाइए, ठीक है? अब एक आपको टेबल मिलेगा एकदम दमादम, ठीक है? हाँ, अब इस टेबल को समझने के लिए जरा थोड़ा टाइम चाहिए और थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, है ना? Yes, sir. तो ना? Yes, sir. अलग बात है, नहीं भी चाहोगे तभी दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है? आना जरा आगे। एक बात याद रखना, देखो तो जीवन का एक ज्ञान है, जीवन का बस एक ही ज्ञान है, सुनना, मतलब पढ़ लो एकदम, सुनना ध्यान, मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, मेरे एक एक शब्द में बोलता हूं तो बोर हो जाते हो क्या? आराम से, मतलब सोचो कोई आदमी पढ़ने में मग्न है, मजा है। अब आप पता है कैसा फील होता है? अच्छा मैं बताता हूँ, मैं अपनी भी बात बताता हूँ और आप तक बताता हूँ। कोई ऐसा आदमी है जिसको इतना उसको देख रहे हो पढ़ के इतना खुश लग रहा है, वो इतना मजा आ रहा है, आप खुद से कभी, मैंने बोला था कि किसी ने
से पढ़ लेते हो ना आधा एक घंटा, उस दिन छप्पर फाड़ रहे हो तो पूरा दिन भर आ गया समझ में। तो भैया एक घंटे का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, और एक साल अगर सिर्फ लगा दे तो समझ रहे हो तुम्हारे सामने किसी को टिकने नहीं दोगे, ऐसे तुमको देख के तुम्हारे अंदर से अल्फा बीटा गामा निकले। और वही मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसा ही है शक्तिमान की तरह पूरा हो रहा होगा समझ में, पूरा रेडिएशन, और उस रेडिएशन से आपके बाउंड्री लाइन क्रिएट हो गए होंगे, मतलब आप ऑफिसर हो और आप तक पहुंचने के लिए किसी को सोचना पड़ेगा। आ रहा समझ में, मेरे बात समझ में आ रही है? तो उतना रेडिएशन आपके अंदर होना चाहिए, और रेडिएशन आने का बस पढ़ाने का तरीका। फील करके अच्छा नहीं लग रहा? अब मजा आ रहा है कि जीवन, मतलब सुबह उठो तो आपको लगे कि यार आज का ये काम है। आज आपका पिया आके बोले कि सर आज यहाँ मीटिंग है, आज वहाँ फीता काटना है, आज वहाँ उसका बैंड बजाना है, मेरे बात समझ में, आज वहाँ जाके उसका घर ढाना है। भाई इनक्रोचमेंट भी तो है या सुनो। तो आप एक्साइटेड इस बात के लिए रहना, मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ। ये जरूरी नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, बट आप एक साल को जी लो मजे से पढ़ के, ठीक है? रेडी? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा आनंद को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं और देवानंद बनाते हैं, ठीक है? तो अब जो समझ में आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बोला था ये टेबल पूरा पॉलिटी में आपको काम आएगा, और इस टेबल से आप पूरे पॉलिटी के प्री क्वेश्चन हिट कर देंगे गारंटी के साथ बीपीएससी का। आगे देखिएगा, तो पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिएगा इधर उस टेबल में आपको कुछ कुछ क्या मिलेगा, एक लेबल मिलेगा, ठीक है? इधर आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव, इधर आपको एग्जीक्यूटिव, और इधर आपको मिलेगा जुडिशियरी। और प्लीज, अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? सांसें एकदम थमना चाहिए, एकदम कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं भी थाम के रखता हूँ, अढ़ाई तीन घंटा चार घंटा जितना भी बोलना होता है मेरा ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। सुनिएगा, रिदम जब तक नहीं बनेगा ना, एक रिदम में नहीं बनता है ना तो नहीं याद होगा। मैं इसीलिए एक ही रिदम में पूरा खत्म करता हूँ, ताकि आपको बस वो पैटर्न बन जाए माइंड में, नहीं तो ब्रेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इधर आना, देखो लेजिस्लेटिव का वैसे हिंदी होता है विधायिका, और आपको थोड़ा सा आप अपना करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग होता है शायद कार्यपालिका, अगर हिंदी में कुछ हो जाए ऊपर नीचे तो चिंता नहीं करना, आप थोड़ा सा कर ले। इधर है न्यायपालिका, ये क्या है, ठीक है? अब आना इधर, उस डायग्राम में देखने से पहले एक यहां पे आपको मिल रहा होगा लेवल, मिल रहा होगा। इधर देखिएगा प्लीज, पहले इधर देखना, उधर अभी मत देखना जब मैं बोलूंगा तब, क्योंकि यहां जो मैं बता दूंगा ना उसके बाद जब टेबल पे आप देखोगे तो आपको अपने आप चमक जाएगा पूरा, चिंता नहीं करना। वो तो इतना मेहनत से नोट्स बनाए हुआ है यार, मेरा ट्रिक ही बस यही है। सेंटर एक होगा भैया स्टेट, और एक होगा लोकल लेवल। आखिर तीन लेवल तो मोटा मोटी होता ही है, यस और नो? एक सेंटर लेवल, एक स्टेट, और एक लोकल। अब इधर जो लोकल लेवल पे ही सारा कुछ है, लोकल लेवल पे जिला भी आएगा, लोकल लेवल पे ब्लॉक भी आएगा, लोकल लेवल पे गांव भी आएगा, लोकल लेवल पे सब डिवीजन भी आएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये सारा का सारा इस टेबल में आएगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है? सुनिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही सोचना, तभी ये टेबल आपको मजा आएगा, नहीं तो अपने से सोचोगे तो नहीं कुछ होगा। देखना इधर, गौर फरमाना जरा, ये है ब्रह्मा जी, ये है विष्णु, और ये है महेश। आ रहे समझ में? तो ब्रह्मा जी का काम होता है क्रिएटर का, बनाते हैं ये, विष्णु जी चलाते हैं काम, और महेश जी बताते हैं क्या सही क्या गलत। आ रहे समझ में? और गलत तो दोनों को चपेट मारेंगे। आप इसको जरा ऐसे सोचना, एक और एग्जांपल से वो और मजा आएगा आपको। ये लेजिस्लेटिव मतलब जो मैन्युफैक्चर करता हो, जो कोई चीज को बनाता हो, ये हमारे मार्केटिंग स्टाफ सेलर वाले जो बेचते हैं, और ये है हमारे क्या बोल लीजिए एचआर वाले, कंपनी में एचआर होता है ना, प्राइवेट कंपनी में एचआर लोग होते हैं ना, एमआर एक अलग है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो बताता है, वही पास करता है, वही पूरा लेखा जोखा रखता है कि कंपनी का कितना ऊपर हुआ, एक साल का एक महीने का कितना प्रॉफिट कितना लॉस। अब इधर आना, इसको अब उसके लहजे में अगर समझे तो क्या है, तो लेजिस्लेटिव वन हु क्रिएट्स द लॉ, जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव इज वन हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, और एग्जीक्यूट द लॉ जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशियरी इज वन
न्यायपालिका जो बैड लॉ को डिस्ट्रॉय करता है, जो बेकार कानून है उसको खत्म करता है। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए बनाएंगे क्या, न्यायपालिका। अब इस न्यायपालिका को थोड़ा सा आप सबको आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा। अब जैसा बोल रहा हूं प्लीज पहले यहां देखना, मैप जो टेबल है वो टेबल में अपने आप में बहुत है, इधर देखिएगा, ठीक है। अब आइएगा इधर, सबसे फर्स्ट सेंटर दिख रहा है, सेंटर है जहां पे, और जहां पे स्टेट है। मैंने दो वर्ड आपको दो चीज सिखाया था, एक बताया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी और बोला था डायरेक्ट इलेक्शन, बोला था ना। अब ध्यान से सुनना, सेंटर में यानी कि केंद्र में, सेंटर में यानी कि केंद्र में, तो सबसे पहले एक होगा आपका लोकसभा एंड राज्यसभा। सुनना, एक घर है, लोकसभा और राज्यसभा क्या हुआ, घर। जैसे बोल रहा हूं एक लाइन में सोच लेना, फिर आगे पूरा का पूरा अपने आप हो जाएगा, ठीक। यह लोकसभा और क्या है, अब समझना जरा ध्यान से, और आप अपने सिर्फ फर्स्ट जो कॉलम है उसको देखना, जहां मैंने लिखा होगा लोकसभा एमपी और नीचे लिखा होगा डायरेक्ट इलेक्शन। सुनिएगा इधर, मैंने शॉर्टकट यूज किया है ना, ये सारा शॉर्टकट देखो अपने नोट्स के नीचे, सारे शॉर्टकट्स के फुल फॉर्म लिखे हुए नीचे देख लो, तो आपको झंझट लेना नहीं है, नहीं तो कुछ लोगों के दिमाग में तो ये होगा एलिस क्या है, हो सकता है क्यों प्रकाश। अब आगे आइएगा जरा, तो कभी कभी आ जाता है बट चिंता नहीं करने का। अब समझ, अब बहुत लोग लगता है सच समझ कैसे जाते हैं। हाय हाय, कुछ है कुछ निकलता है इधर से, अल्फाबेट है गामा। सुनिएगा इधर, सारे फुल फॉर्म्स हैं, आपको उसमें का एक वर्ड ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, मेहनत इसीलिए हुआ है। बाकी आप वर्किंग हैं, आप काम करते हैं, आप कितना भी सुनो, जॉब करके भी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये मेरा नोट्स आपको 15 मिनट में पूरा रिवाइज करा देगा मेरे क्लास के बाद। इसमें एक है, नई क्लास पढ़ाऊंगा तेरे नोट्स रद्दी है, आ रहा समझ में। बाकी यार कोई अगर बहुत मेहनत लगा लेगा ना तो मेरे नोट से एग्जाम निकाल सकता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो ठान लिया अगर। लेकिन काहे के लिए ठानेगा, मेरे से ही मिले ना, हम कुछ पैसे कम कर उतना क्यों लगाना, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पैसे बचाने के लिए हम कर लेते हैं, बट कमाल की बात यह है, देखो आप आईएएस बनोगे ना, अब 100 लोग हैं, सुनना ध्यान से, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बात आ गया मुझे बोलना ही था। 100 लोग हैं, 100 में से 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 99 लोग किसी न किसी से पढ़ के आए, और आप अकेले निकले कि हम किसी से तो पढ़ेंगे नहीं, हम कमजोर हैं क्या, हम अकेले खुद से पढ़ के जाएंगे। तो भैया जिंदगी आपकी है, आप अपना सर फोड़ो चाहे कुछ करो, लेकिन वेन यू आर इन द रेस, जब 99 हैं तो आपको भी उसमें रहना पड़ेगा, नहीं तो जो आईएएस का एग्जाम है वो 99 तो सेम आंसर लिख के आ रहा है, आप तो वो भी बेसिक लेवल भी कवर करके नहीं गए हो। सिर्फ अकेले जब आप तैयारी करते हो तो आपको सिर्फ ये फील होता है कि अपने को बहुत आता है, लेकिन जब आप इस क्लास में एंट्री करके, जब मैंने फर्स्ट क्लास पॉलिटी का पढ़ाया तो उस दिन क्या वही फील हो रहा था, ईमानदारी से बोलना कि अब 35 मार्क का है, नहीं फील होगा, बता रहा हूँ, सारा भ्रम पहले क्लास में टूट जाता है। इसीलिए बोला सेल्फ स्टडी कहने के लिए अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने बोला कि कोई आदमी घर बेच के क्यों पढ़ता है, उसके पीछे कारण है, नहीं तो वो भी चाहता तो खुद सेल्फ स्टडी करके निकाल सकता था, आ रहा समझ में, इसीलिए कोई घर बेच के तैयारी करता है। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, बोलने में अच्छा लगता है कि यार सेल्फ स्टडी से क्या ही नहीं हो सकता, आ गया ना, वो सब बोलने के लिए है। ख्याल इधर आना, मैंने शॉर्टकट लिखा लोकसभा प्लस राज्यसभा, अब हम बात करते हैं इधर, सुनिएगा एग्जीक्यूटिव की, सुनिएगा इसमें, इधर देखिएगा प्लीज, नोट्स पे मत देखना अभी, मैंने देख लेना तब, इधर बोलोगे क्या, देखना इधर, एग्जीक्यूटिव है भैया, एग्जीक्यूटिव में दो चीज है, एक है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं, सुनो, मतलब एक ओ जिसको आपने चुना है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आप लोग हो बाबू ब्यूरोक्रेट्स आईएएस। परमानेंट मतलब क्या, आप आईएएस बने तो आपको कोई हटा नहीं सकता है, अरे मेहनत से बने हम, मेरे पास समझ में आ रही है, लेकिन मैंने वर्ड यूज किया इलेक्टेड, क्या यूज किया, तो भैया हम चुने हैं तो 5 साल बाद तुम जाओगे बाहर, मेरे पास समझ में आ रही है, तो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव तो परमानेंट नहीं होता है ना, अरे विधायक परमानेंट होगा क्या, आप उसको चुनो तो 5 साल बाद फिर देखेंगे, मेरे पास समझ में आ रही है इधर, तो उसी का मीनिंग है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव,
और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो है जो परमानेंट है, जिसको हम आईएएस ब्यूरोक्रेट्स इन सबको बात बोलेंगे। एक एक चीज आएगा, मेरी बात समझना, ये सिर्फ एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसलिए समझते जाना। तो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव और दूसरा क्या है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और ऐसे समझना, घर तो क्या है, लोकसभा, तो घर को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए मालिक, तो भैया लोकसभा का हेड, यहां समझना। अब आप वहां पे अब अभी अभी एक ही चीज देखना, वहां यहां ऐसे देखा, सुनना, COM लिखा, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है ये? अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो, बहुत सारे मंत्री, और उस सब मंत्री का हेड है PM, प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्या? Yes, sir. सुनना, अभी हम बात कर रहे हैं सेंटर पे, सेंटर में घर क्या है, लोकसभा, लोकसभा का हेड कौन है, PM, PM के अंदर है बहुत सारे मंत्री। अरे समझ में आ रहा है? Yes, अब इसी तरीके से जरा एक स्टेप आगे आएंगे, सुनना। अब आते हैं इस पे बाबू, वो आप लोग वाला बाबू नहीं, बाबू सोना नहीं, ब्यूरोक्रेट वो उधर रखिएगा, यहाँ पे हम दूसरे बाबू की बात कर रहे हैं, जो आप बनने वाले, जिसको ठेठ लैंग्वेज में बोले तो क्या, क्या IAS ऑफिसर्स, आप समझिएगा। अरे सुनो ना, सुनो सुनो, अरे सुन लो सुन लो, सुन लो, आप लोग में से कितने लोग गांव में जब पूछोगे तो गांव में आप बोलते हो हम UPSC का करते हैं, तो बोलेगा का हो के लाई, लेकिन आप बोलोगे क्या IAS के करी ले, तो कहेगा अच्छा, तो ये ठेठ IAS नहीं हुआ तो क्या हुआ। अरे समझ में आ रहा है? अब भैया फील करके सुनो, फील करके आप बोलोगे ना सिविल एग्जैक्ट, आप जब किसी को बोलोगे ना तो इस एग्जाम का ओरिजिन CSE सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ना, तो हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कहे कौन ITI करे लगा। समझ गए, क्योंकि जैसे सिविल बोलोगे तो पूछेगा बेटा बिल्डर हो कि कौन हो, ऐसा भी होता है। एक बात सुन लेना, क्या देखो CSE, आप लोग भी जब किसी को बोलना, कोई आदमी पढ़ता हो, सुनो आप आ गए बात तो समझ लो, जो एजुकेटेड है उसको आप ये नहीं बोलना, आप उसको बोलना हम सिविल सर्विसेज एग्जाम तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज, इसलिए इसको शॉर्ट में सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये पता ऐसे होना चाहिए आपको, ये IAS है, मेरे पास समझ में आ रही है। अब सुन, अब सुनिएगा, हमने बोला ये भी, हमने वो भी बोला था कि आप पेशेंस रखिएगा आगे आ जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से इधर, अब एक, अब जैसे UPSC, तो UPSC क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो UPSC इस एग्जाम को करवाती है, तो UPSC हुआ घर, और उसी के अंदर ये पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, लेकिन हम फिर भी UPSC बोलते हैं, समझ लो बेसिक चीज है, क्योंकि UPSC बहुत सारे एग्जाम करवाती है, जैसे NDA करवाती है, जैसे CDS करवाती है, जैसे सुना दे नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, ये मत पूछो ज्यादा, बहुत बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, सुना दे इधर सुनिए, CDS, CAPM और भी होते हैं पेपर्स, UPSC बहुत कम पेपर कंडक्ट कराती है, पहले SCRA का होता है, स्पेशल क्लास रेलवे, आपको उतना नहीं जानना, देखो CDS में क्या आता है सर, अभी अभी नहीं जानिए, समझिए ध्यान से, प्लीज नहीं जानिए, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा है, आप CDS है समझ लीजिए, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, चलो सुनो सुनो सुनो, पूछे मैं बता देता हूँ, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है, सुन लो पहले, हड़बड़ाओ मत, सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो, देखो इधर, अब जो पूछ दियो समझ लो, जैसे UPSC है, अब लिख लेना, आप जब पूछ दियो तो लिख ही लेना, निकालो नोटबुक, लिख लो जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, क्योंकि ठीक ही रहेगा, ये बेसिक है बट पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अलग अलग, नहीं नहीं मार्केट में अलग अलग लोग मिथ लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, अपना अपना नया नया लॉजिक और चोचले घूमते रहते हैं, मैंने पेज निकालने के लिए बोला है, बात करने के लिए नहीं, अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है, निकाल लीजिए, चलिए एक ने पूछा सबका भला हो गया, तो उसी में अच्छी बात है, इसी के लिए तो क्लास आते हैं, अब सुनेगा इधर, तो मुझे खत्म ही करना, इसलिए जल्दी थोड़ा करिएगा, आगे आगे उस पे, हाँ अगर पीछे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं,
हाँ जो जगह है उसमें लिख लीजिए, वैसे भी उस पर वापस तो मैं प्रिंट करवाऊंगा नहीं, तो आप उस पर लिख लीजिए। हाँ आप जो, हाँ बहुत बढ़िया, एक नोटबुक आप जो स्ट्रेटजी फ्रूट और उससे मैं जो जो नया नया चीज बताऊंगा क्लास में, और सुनना ध्यान से क्लास में, जैसे मैं कुछ वैसी चीजें बोल देता हूँ जिसमें आपको लगेगा बहुत लोग को काम करनी है, जैसे किसी को लगे कि मेरे काम का है, तो इमीडिएट और नोटबुक रखना और वहां लिख लेना, वही वही छोटा छोटी चीज काम करेगा। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं कि हर बात हर किसी के लिए हो, लेकिन हर बात में से किसी एक के लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगा और हर किसी का अपने सिचुएशन से मैच कर जाएगा, तो लिख लेना तुरंत वहां पे कि ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसमें ऐसा करेंगे। ठीक है, ये आप तक छोड़ता हूं, मैं ये मेहनत करना जाता है। तो पहले यूपीएससी देख लो, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बेसिक हो गया थोड़ा। अब उसके बाद जैसे यूपीएससी है ना, तो यूनियन है, यूनियन मतलब केंद्र, ऐसे समझना सेंटर, ये पूरा सब हो गया। अब स्टेट वाले भी अपना अपना पेपर करवाते हैं, जैसे बीपीएससी, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएससी। देखो क्या बोला जाता है, पीएससी, आईएससी को लोग बोलते हैं पीसीएस, एक्चुअली पीएससी बोला जाता है, एक्चुअली पीएससी भी होता है, लेकिन लोग कूल लगता है पीसीएस बोलना तो बोल देते हैं पीसीएस, क्योंकि फुल फॉर्म भी देखोगे तो उल्टा ही हो गया, और इंडिया में क्या लोग सीधा समझते उल्टा समझते, मेरे पास समझ आई है। तो देखो अभी समझना ये क्यों प्रवास देखिए ये क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो लास्ट का है ये, क्या हो गया सुना ध्यान से। अब इस पीएससी के अंदर बिहार वाला अपना करा रहा है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा वाला करा रहा है तो उड़ीसा, झारखंड तो जेपीएससी, राजस्थान तो आरपीएससी, आ रहा है समझ में? बस उसके बाद फिर अब यूपीपीएससी। अब जैसे क्या प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यूपी तो यूपी लिखते हैं ना, इसीलिए डबल पी हो जाता है उसमें, यू पी तब पीएससी, लेकिन इसको फुल फॉर्म के लिए पीसीएस कर देते हैं, इसीलिए यूपी पीसीएस हो जाता है। हर राज्य अपना कराता है, मेरे बात समझ में आ रही है? तो यूनियन क्या है, ये तो केंद्र है, और मैंने बोला केंद्र तो सबका हेड है, तो केंद्र अपने हिसाब से कराता है सबका हेड लेवल, इसलिए आईएएस बीपीएससी से सीनियर होते हैं। अब हर राज्य अपने अपने हिसाब से कराया, तो लास्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस यूनियन के जगह पे बिहार कराया तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा कराया तो उड़ीसा पब्लिक, अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का? झारखंड कराया तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आया समझ में? पक्का? सीएससी आपको लिख लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिख लिए। अब और कुछ पूछे थे क्या? आप कुछ सुने सुने बस अब इतना ही कुछ अभी जानिए, आगे इसको कंप्लीट करेंगे, बस ये जान लीजिए, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बस उतना ही। तो इसी क्या फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ठीक है अब सुनिए, अब वापस पहले आते हैं तब उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो खींच जाएगा, बहुत कुछ बताने को है मेरे पास, मैं ऐसे समझाता रहूंगा ना तो मैं बस 24 घंटा आपको नॉलेज ही देता रह जाऊंगा। ठीक है, उतना कुछ भरा हुआ है अंदर की बस चुप ही नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, देखो इधर थोड़ा सा हो गया, आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स वैसे जाना जरूरी, इससे कुछ फायदा हुआ क्या? पक्का? आगे आइएगा, आप आइएगा इधर प्लीज, ऐसा लग रहा है बोर हो रहे हो गया हो गया तो बोलना, इधर इधर। अब जैसा समझना है वापस आते हैं इधर। हाँ साले सब ठीक, इधर आना। ये है सेंटर, सेंटर में घर बनाया आपने एलएस, यानी कि क्या लोकसभा, लोकसभा के हेड हैं पीएम, और उनके घर में बहुत सारे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, इधर देखना, उसी तरीके से परमानेंट एग्जीक्यूटिव में भी तो लोग होंगे, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में है वही आईएएस, और इन सब आईएएस का हेड है कैबिनेट सेक्रेटरी। सुनना ध्यान से, एक एक चीज समझना, ये टेबल आपको पूरा, मैं बाद में बोल रहा हूं बस सुन लो, बस ये टेबल आपका पूरा पॉलिटी में खत्म कर देगा, पूरा फ्री आप निकालोगे, गारंटी है मेरी। सुनना एग्जैक्टली, अब सुनना, आईएएस तो बहुत है लेकिन उन सब आईएएस का हेड कौन है? इसीलिए जो लोग आईएएस 21 और 22 साल में बनते हैं वही कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत होता है। अब अभी पता चलेगा, सुनना, अभी एक एक चीज पता चलेगा, चिंता मत करो। इधर आओ, किसमें? न्यायपालिका है ना, सुप्रीम कोर्ट। सेंटर में तो सुप्रीम कोर्ट है,
कोटो का, कोटो का बाप बाप कौन? सुप्रीम कोर्ट। अरे समझ में। तो इधर बात कर रहे थे सेंटर की, सेंटर लेवल पे है लोकसभा, लोकसभा के अंदर है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड कौन? पीएम। उसी तरीके से आईएएस का हेड कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। अरे हाँ है ना। और इधर कौन? सुप्रीम कोर्ट। यहां तक पहले क्लियर है? अब यहां मैंने लिखा है लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट लिखा है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट लिखा है। और राज्यसभा में क्या लिखा है? तो डायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोकसभा का इलेक्शन में तो हम ही लोग देते हैं, यानी कि एमपी को चुनते नहीं है क्या? सेंटर में होते हैं एमपी, स्टेट में होते हैं एमएलए, विधायक। अब सुनो, तो हम लोग एमपी को डायरेक्ट वोट देते ना, या सुनो राज्यसभा का वोट देने जाते हो क्या? सुने भी नहीं हो गए, मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोकसभा का वोट आप देते हो, राज्यसभा का? अब कुछ लोग बोला सर अब दिए थे। जरूर इधर आइएगा, अभी समझिएगा। ये इनडायरेक्ट है कौन? राज्यसभा। अब मुझे आप बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन पहले नहीं पढ़ाया रहता तो यहाँ कैसे समझ आता आपको? इसीलिए थोड़ा सा पीछे का करते रहना रही भाई, इसीलिए मेहनत करना पड़ता है। आ गया ना? अब पहला रिदम तो आप समझ गए। अब इस रिदम को इसी सेंटर लेवल पे, प्रेसिडेंट भी तो सेंटर पे ही होगा। इधर 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 प्लीज सुनना, अभी एक एक चीज पहले कनेक्ट होगा। तो सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम, यहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम आईएएस हैं, मेहनत से गए हैं, एग्जाम निकल के गए हैं, तो हमको कोई हटा नहीं सकता। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव उनका 5 साल के बाद, उनको आपने जीते तो ठीक है, नहीं तो भैया बाय टाटा बाय बाय। इधर अब सारे आईएएस का हेड कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। और हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट आपका हो गया सेंटर लेवल पे, यहां तक ठीक। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से राज्य लेवल पे, यानी कि स्टेट। किस पे? तो सेंटर और स्टेट जहां हो, मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या था, आर स्क्वायर आईपी, और इनडायरेक्ट स्टेट पार्लियामेंट जो होना चाहिए, बोला था नहीं बोला था? अभी तो बोला इनडायरेक्ट में तीन पार्ट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री या सेमी प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया में तो सेंटर और स्टेट है, तो पार्लियामेंट्री तो है ही ना, तो क्या हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो स्टेट पे भी क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ इलेक्शन डायरेक्ट। अब समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट इलेक्शन में क्या फर्क है? अरे आ रहा है समझ? अब देखो इधर, स्टेट, स्टेट का घर एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे विधायक जी लोग चांदी के चम्मच से चटनी चटा रहे थे। सुनना ध्यान से इधर, इधर तो यहाँ क्या था एमपी, और यहाँ क्या है एमएलए। सुनना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। सुनना ध्यान से, यहाँ है लोकसभा, यहाँ क्या है? विधानसभा। अब सुनना, तो यहाँ के स्टेट में लोग बैठेंगे एमएलए विधानसभा में, यहाँ पे एक राज्यसभा की तरह होता है एसएलसी, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन सुनना, विधान परिषद बहुत ही कम राज्य में है, और मैं आपको आगे इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि विधान परिषद कैसे चुना जाता है, कैसे नहीं, कैसे होगा, पूरा डिटेलिंग जाएगा, चिंता ना को करने का, अभी समझना। इधर ऐसे लेके क्या हुआ ये एमएलए, तो ऐसे ले को विधायक को आप डायरेक्ट चुनते हो कि इनडायरेक्ट? तो क्या हुआ डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और एसएलसी आपको पता नहीं है, बट ये डायरेक्ट भी होता है प्लस इनडायरेक्ट भी होता है, इसलिए मैंने बोला मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करना, काफी कम जगहों पे रहेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों यूज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी बस जान लो आगे। अब सेम वैसा ही सोचो ना यार, इसका हेड, जैसे इसका हेड क्या था पीएम, इसका हेड सीएम नहीं होगा, इसके अंदर भी तो मंत्री काम करेंगे। यस और नो? अब उसी तरीके से इधर, यहाँ भी तो बाबू लोग होंगे। बाबू सोना नहीं, तो यहाँ जो स्टेट लेवल पे अभी बताया कि बीपीएससी, अब उसके बाद राज्य आरपीएससी सब होगा। अरे हर राज्य का होगा ना। तो यहाँ आईएएस होंगे लेकिन स्टेट लेवल वाले, यानी कि बीपीएससी मान लो, और इन सब के हेड को बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। अरे समझ आ रहा है क्या? और सारे जब सेंटर में आईएएस के हेड को क्या बोलते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे? और यहाँ क्या बोलेंगे? आ रहा है कुछ समझ? पक्का? बिल्कुल आईएएस
उसी में से जो होगा वो जनरली आईएएस ही चुन के आएगा। अभी एक मिनट बस रुक जाएगा, आज वो भी आ जाएगा जस्ट इसके बाद। और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होगा क्या? होगा ना, हर राज्य में तो हाई कोर्ट अपना, उस स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होगा। तो भैया इधर आना, सेंटर पे लोकसभा, लोकसभा का हेड कौन? हम पीएम, पीएम के अंदर कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस सबका हेड और सुप्रीम कोर्ट। उसी तरीके से हर राज्य में एसएलए यानी कि विधायक वो बैठेंगे, उनका हेड सीएम और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और फिर हाई कोर्ट। यहां तक क्लियर है? yes, पक्का? yes, आगे बढ़ा जाए? yes, बहुत अच्छे। इसी बात पे अब आगे आते हैं कि चीज कनेक्टेड रहना बस, क्योंकि अब जो लोकल लेवल बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ये जो चीफ सेक्रेटरी बनेगा सर, ये जो बीपीएससी के अंदर जो इलेक्टेड, मतलब मैं अभी वही बोला हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है, ये आगे आ जाएगा, चिंता मत करना। बट अब आगे आना जरा, ठीक है, सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन अभी दिमाग में नहीं है ना, अभी क्लियर करके रखना, इधर आना पहले, उसके बाद नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल वही रखना है, अभी साइड हटा देना, मैं इसलिए बोला हूँ जिस रिदम में लेके जा रहा हूँ बस उस रिदम में चलो, अभी आगे का सोचने का लायक खुद हो जाओगे आप, चिंता मत करो, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पढ़ा दूंगा। तो इसी बात पे अब आते हैं लोकल लेवल पे, किस पे आते हैं? तो लोकल लेवल पे सुनो, यहाँ प्रेसिडेंट था सेंटर पे, तो स्टेट पे गवर्नर हो जाएगा। और इधर मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट जो होता है, या मैंने इधर देखो जो राज्यसभा, मैंने बोला था क्या लिखा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन लिखा है। अरे यही एमएलए लोग तो चुनता है इसको, तो विधायक लोग चुनता है राज्यसभा के एमपी को। विधायक लोग किसको चुनेगा? राज्यसभा के एमपी को। इसीलिए राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं बोलते। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आना इधर, इधर 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 लोकल लेवल पे आ गए, तो सबसे पहले स्टार्ट करो डिस्ट्रिक्ट से। किससे स्टार्ट करोगे? अब आप अपने उस पे देखोगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद देखो सब डिवीजन होगा, और सब डिवीजन के बाद ब्लॉक होगा, और ब्लॉक के बाद विलेज है। उस फ्रेम में देखिएगा प्रिंस, उस फ्रेम में पूरा दिख रहा है, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, नीचे इधर विलेज, कोई बात नहीं, इससे नीचे नहीं लिखेंगे, डोंट वरी, कर देता हूं मैं, बस अभी एक रिदम है इसलिए मैं नहीं चाहता उसको रब करना, बट बाकी मैं अब थोड़ा सा सोच के देखो, आप इमेजिन करना, अब थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, ये जो इतना लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ, अभी मान लो मैं अभी पढ़ाया हुआ नहीं रहता, अब जरा समझने की कोशिश करो, अरे समझने अब सुना ध्यान से, इधर देखना, इधर हाँ बिल्कुल इधर देखना, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम वैसा ही सोचना, डिस्ट्रिक्ट का घर, और फिर डिस्ट्रिक्ट के घर के बाद उसका हेड, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, होगा नहीं होगा? लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में दो चीज आ गया, एक रूलर और एक अर्बन। डिस्ट्रिक्ट में तो एक गांव भी होगा और दूसरा शहर भी, अरे हाँ है ना? तो अब जरा एक एक चीज बारीकी से समझते जाना भैया, तो समझना इधर, अब जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट में दिख रहा होगा जिला परिषद, क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया, लेकिन ऊपर में मैंने याद, यहां देखना रूरल लिखा होगा और एक लिखा होगा अर्बन, लिखा है, तो रूरल मतलब क्या? शहर, और अर्बन मतलब? सुनना इधर प्लीज सुनना, अभी इधर वो सब नोट्स पे भी मैं देखना, जब बोलूंगा फिर देखना। तो रूरल लेवल पे आपको वहां पे दिखेगा और जिला परिषद दिखेगा, सुनना ध्यान से, इधर देख लो पहले, देख लो, देखो मत, जिला परिषद, और अर्बन लेवल पे जिला परिषद नहीं होता है, लेकिन वहां दूसरा कुछ होता है, देखना और सुना, जो भी बताने वाला है प्लीज इधर देख लो, प्लीज प्लीज देख लो इधर, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, समझना ध्यान से, म्यूनिसिपैलिटी वर्ड नगर पालिका तब यूज करेंगे जब कोई छोटा शहर हो, सुनना, सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल देते हैं कुछ भी, एक एक चीज का तौल के बोलना है। उसके बाद होता है एक म्यूनिसिपैलिटी काउंसिल, ये तब होता है सुनना जब मीडियम हो, मतलब शहर थोड़ा मीडियम हो, सुनना एग्जांपल भी आ जाएगा, और एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़ा शहर जैसे दिल्ली
बॉम्बे, इसीलिए वहां पे जो वर्ड यूज किया जाता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, कि मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बोला है, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये बोला है, लेकिन मोतिहारी में क्या बोला जाता है? म्यूनिसिपालिटी बोला जाता है, नगर पालिका। तो समझ लो कितना बड़ा शहर है। आ रहे समझ में? अरे नहीं आ रहे? सुनो, ये जो तीन चीज बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस पूछता है, बहुत लोग को पता तक नहीं होता है। अधिकतर लोग को पता है क्या, उन लोग को लगता है सब नगर पालिके जहां जाएंगे तहां लगता अच्छा नगर पालिका होगा। दिल्ली में इसीलिए वहां एक वर्ड यूज होता है, वहां पे एक तो दिल्ली मेट्रो के लिए अलग यूज होता है, प्लस वहां बोला जाता है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बॉम्बे में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुनना, क्योंकि वो शहर बड़ा है। इधर सुनना एडवांस, तो म्यूनिसिपैलिटी मतलब क्या? छोटा। म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल दिल्ली एंड बॉम्बे, नोट्स में वो भी लिखा हुआ है, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है ना? अब जरा सुनना, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अरे हो सब? यस सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूलर में जिला परिषद, और जिला परिषद और अर्बन लेवल पे ये तीनों चीज होगा छोटा शहर के अकॉर्डिंग। अब इधर जिला परिषद है तो इसका हेड कोई होगा? होगा नहीं होगा? तो जिला परिषद के हेड को आप देखो, उसमें जिला परिषद हेड लिखा होगा, देखना ध्यान से, हेड ऑफ जिला परिषद लिखा है, हेड ऑफ जिला परिषद, और उसके अंदर होगा जिला परिषद काउंसिल, यानी कि बहुत लोग उसका हेड होगा। और शहर में होता है मेयर, बात समझ में आ रही है? इसीलिए शहर में मेयर का चुनाव होता है और गांव में जिला परिषद का चुनाव होता है। अरे समझ आ रहा है कुछ? सुना ध्यान से, इसीलिए ये रूलर मैंने लिखा है और दूसरा मैंने लिखा है आपको अर्बन। तो रूलर में ये जिला परिषद के हेड, हेड ऑफ जिला परिषद बोलेंगे, उनके अंदर बहुत लोग काम करेगा, और इनके अंदर जो शहर है अर्बन, उसके अंदर सबका हेड को मेयर बोलते हैं, और उसके अंदर काउंसिल लोग बहुत सारे काम करेंगे। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसी तरीके से जिला परिषद यानी कि उसके हेड के अंदर बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरीके से मेयर के अंदर बहुत सारे काउंसिल मिनिस्टर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अरे आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा है? अब आप सोच के देखो, कहने के लिए सिर्फ एक टेबल है ये, या एक पेज है, समझ में आ रहा है? अभी अभी समझना, अभी 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 शुरू किया है, और ये एक टेबल आपको काम भी है, चिपकाना है आपको खुद से बना के, हम नहीं भी बोलते तब भी आप चिपकाते, समझ में? इसमें खुद ही जान तो कुछ, जैसे कुछ लोगों को पता चलेगा बहुत काम का है ये, लिख लो, जिसको पता है लिखेगा, नहीं लिखेगा तो मरेगा, हमको क्या, समझ? इधर देखो, इधर सुना ध्यान से, अब इधर आना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने काम किया है अभी, अब जरा इसके आगे इसमें भी तो देखेंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव में भी तो देखेंगे, हम तो अभी इलेक्टेड की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि जिला परिषद का भी चुनाव होता है और मेयर का भी चुनाव होता है, इनका क्या परमानेंट वाले, वो भी तो है। आ रहा समझ में? तो भैया आप ही लोग बनेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, उसमें दो तरीके का चीज है, देखिए इधर उसमें क्या है सुनना, एक होगा सिविल और दूसरा होगा पुलिस। सिविल का जो हेड होगा वही होगा डीए, और पुलिस का जो होगा एसपी। रिवाज समझ में आ रही है? अरे सुनो अभी आराम से, अब जरा आप अपने डायग्राम में अपने नोट्स पे ध्यान से देखो, डीएम और एसपी दिख रहा है, और डीएम के अंदर काम करेगा एडीएम, और एसपी के अंदर डीएसपी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है? अब आना जरा उसके नीचे, अर्बन लेवल पे इसीलिए कमिश्नर होता है दोनों लेवल पे, इसीलिए जो बड़े शहर होते हैं वहां पे कमिश्नर होता है। लोकल लेवल पे मतलब कि सिविल का भी हेड और पुलिस का भी हेड कौन होगा? कमिश्नर शहर में, इसीलिए बॉम्बे और वहां पे ज्यादा देखोगे तो कमिश्नर ज्यादा वहां होगा, वहां आपको एसपी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां मिलेगा कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहां आपको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, समझ में आ रहा है? बिहार में मिलेगा एसपी, इधर डीएसपी। बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, चिंता मत करो, बहुत मेहनत लगता है, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। देखो इधर मैं एक बार ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को एक बार और बता रहा हूं, ठीक है, देख लो एक बार, सुनना ध्यान से, सुनना, अरे सुनना सुनना, ऊपर का जो है रहने दो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता रहे हैं अपन,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने दो चीज बोला, एक रूरल और दूसरा अर्बन। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं? इस डिस्ट्रिक्ट पे रूरल पे मैंने बोला क्या, जिला परिषद। क्या बोला? तो सिम आप खुद से ऐसे सोचोगे तो जिला परिषद, तो उसका आप घर में आओ तो जिला परिषद का है, तो जिला परिषद का हेड क्या, हेड ऑफ जिला परिषद। उसके अंदर काउंसिल काम किया, यहाँ मैंने म्यूनिसिपलिटी बोला, यहाँ मैंने म्यूनिसिपल काउंसिल बोला, यहाँ मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला। इसमें तो आपको क्लियर कट का समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ वाला, ये वाला पार्ट समझ लो। इस पार्ट में समझने के लिए ऐसा याद रखो, देखो परमानेंट में एक हो जाएगा सिविल और दूसरा हो जाएगा पुलिस। तो सिविल का हेड डीएम और पुलिस का हेड एसपी, ठीक है यहां तक? अरे समझ आ रहा है? लेकिन ये तो रूरल लेवल पे मैंने बोला है, गांव के लेवल पे। लेकिन अर्बन लेवल पे क्या, क्योंकि हम भैया यहां तो रूरल और अर्बन दोनों डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो देखो इधर, ये जो हुआ रूरल परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुआ, डीएम तो परमानेंट होगा ना, और ये हुआ रूरल ईवी परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुआ लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ, वो भी एग्जाम निकल के गया है। अब उसी तरीके से अर्बन में भी तो होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यस और नो? सिविल पे भी और पुलिस में भी, लेकिन इसीलिए अर्बन जगह पे वहां डीएम और एसपी नहीं होते, सीधा वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। अरे समझ आया? yes, पक्का? yes, इसीलिए बड़े शहर में कमिश्नर का बोलबाला होता है। अब आना जरा इधर, नीचे नीचे नीचे। अब डिस्ट्रिक्ट से जरा नीचे आना, सब डिवीजन, सुनना ध्यान से। डिस्ट्रिक्ट से नीचे क्या, सब डिवीजन पे देखो, बहुत आसान है, क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा। yes, भैया सब डिवीजन पे काहे का इलेक्शन, देखो सब डिवीजन पे क्रॉस दिख रहा है। yes, लेकिन क्रॉस के बाद एक लास्ट में दिख रहा होगा एसडीएम, दिख रहा है? yes, दिख रहा है? yes, अपने आप में बहुत कुछ है। सुना, एसडीएम होगा या एसडीपीओ होगा और उधर एसीपी होगा। सुना इधर, इधर आप लोग जब आईएएस बनेंगे ना, सुनो, पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम, यहीं से घूमते घूमते पहुंचोगे कैबिनेट सेक्रेटरी के पास, तो लंबा घना सफर तय करना पड़ेगा आपको। इसीलिए बोला जाता है कि कम एज में बनोगे तो मजा आएगा। और सुन लो, बहुत लोगों को लगता है कि डीएम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, भाई मजा यहाँ है, क्योंकि यही जो बनाएगा प्लान वही सबको फॉलो करना पड़ा। और सुन लो, कैबिनेट सेक्रेटरी जब बनता है ना, उसका डायरेक्ट रिपोर्टिंग सिर्फ पीएम के पास होता है, प्राइम मिनिस्टर को जो बोलेगा प्राइम मिनिस्टर वही करेगा। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर अगर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहता है तो खाली कैबिनेट सेक्रेटरी का बोलबाला चलता है। और सुना ध्यान से, इसीलिए जब मनमोहन सिंह थे तो उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी खूब चर्चा में रहता था। सुनो ध्यान से, इधर सुनो, अभी आप कैबिनेट सेक्रेटरी सुनते भी नहीं, कहे कि मोदी जी है। अरे तो भैया इसीलिए सुनो, जब सुना ध्यान से, जब भी कभी कैबिनेट सेक्रेटरी का चल रहा है तो समझ लेना कि पीएम उतना अभी टाइम, बात समझ में आ रही है? इसीलिए मजा भैया इधर है। बस एक बार ये वाला निकालो ना, उसके बाद पढ़ते रहो और उसके बाद मजे लेते रहो और धूम मच। मैंने बोला ना कि ऑफिसर बनो और घर टू घर जाके खूब सेवा करो, मजे से इतना न्यूज में रहो। इसलिए जिसको बनना होता है ना, ये ताम झाम किया रहता है, समझ में आ रहा है? हाँ तो आप खुद सोचो ना, अब एक आईएएस है, सुनो आईएएस का ही पोस्टिंग एसडीएम से शुरू होता है जनाब, वहां सेम वही टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, सेंटर से जब आईएएस क्वालिफाई करके जाओगे तो कम टाइम लगेगा, बीपीएससी के एसडीएम बन के जाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जिसको ये बनना होता है वो तामझाम में रहता है हमेशा, जैसे अभी सृष्टि जयंत देशमुख है, ठीक है? तो देखोगे ना तो सोशल मीडिया पे छाई रहेंगी, समझे जनाब? और एसडीएम के पास देखो, इधर देखो, क्यों इधर देखो, सुनो, क्यों छाई रहती है? अरे एक, हाँ सॉरी, एक मिनट, देखो क्यों छाई रहती है पहले समझो। एसडीएम आप यहाँ हो, देखो कोई पॉलिटिकल इधर है ही नहीं, कुछ है क्या, मजे से एंजॉय करो। अरे समझ में? तो कोई पॉलिटिकल है ही नहीं कि उस पर करेगा, इसीलिए वो अपने मन में यही डायग्राम आपको सारा कुछ बता देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर कोई नेता नहीं है। अरे समझ में, ऐश कर लो भैया। इसीलिए आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो मजा है, लेकिन यहाँ वाले इसीलिए दंगा किए रहते हैं हमेशा,
भैया कभी चश्मा लगा के गाड़ी से उतरेंगे, कभी कहीं जाके रेड मार देगो, कहीं जाके सुरक्षित जैन देखोगे तो भोपाल में कहीं इंदौर में खाली करवा रही है दुकान, कहीं देखोगे कि प्राइस दे रही है दौड़ा दौड़ा के, मेरी बात समझ रही है? ये सुनो, पूरा मीडिया में रहती है तो सिर्फ वही नहीं रहती, सब SDM रहते हैं। मजा है, बनो, इतना मेहनत करके पढ़ के रगड़ के बने हो, गेट इट यार, पावर का इस्तेमाल करो और कमाल की बात है, लोगों को मदद करो, घूम घूम के सोचो कितना अच्छा बात है कि आप जा रहे हो काम करा दी और आपके एक साइन से 10 का काम क्या चाहिए अपने को भाई, आ रहा कि नहीं आ रहा है? बाकी लाइफ में सिर्फ ये बहुत कुछ है लेकिन इसका एक अपना टसन है जिसमें आप एक साथ लाखों लोगों की लाइफ बदल सकते हो, ठीक है? बाकी अपनी अपनी लाइफ है, मजा नहीं आ रहा सोच के? तो भैया इसीलिए बनिएगा। और याद रखिए टीचर, मैं बार बार बोलता हूँ, जरूरी नहीं, मैं बार बोलता हूँ, एक कभी दिमाग में रखना, कुछ बच्चे ऐसे दिमाग में पहले रखते थे, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बार बार एक बार नहीं हजार बार दोहरा चुका हूँ, ये जरूरी नहीं कि टीचर IAS है तभी उसका बच्चा IAS बना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं भी बनूं तभी आप बनोगे। याद रखना फेलियर लोग ही सक्सेस को बनाते हैं, ये दिमाग में रखना। सक्सेस जो IAS को इतना फुर्सत नहीं है, फिर बात समझ में आ रही है? और सुनना, और IAS जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आपको समझाएगा भी नहीं। देखो बहुत लोग बोलते हैं समझना कि किसको कोच बनाया जाए, जैसे सचिन के जो कोच थे वो स्टेट लेवल भी नहीं खेले थे, सचिन के जो कोच थे स्टेट लेवल भी नहीं खेले थे, तो उनको प्रूफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो आदमी ऑलरेडी अगर खेला हुआ है वो तो नशे में रहेगा, वो आपको समझेगा कुछ? इसलिए बोला सक्सेस जब कोई हो जाता है तो उसको देख के हम इंस्पायर होते हैं, वो ठीक है लेकिन वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, एक फेलियर ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? और वो फेलियर इसलिए हुआ है क्योंकि उसने नॉलेज ज्यादा ले लिया और आपको जो दे रहा हूं वो बस इसलिए मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्शन में रख लेना, मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए लगाम बोलता हूं लगा के रखना, इसीलिए कनिष्क कटारिया सर निकाल लिए लेकिन जो टीचर उनके साथ थे वो नहीं निकाल पाए, इसीलिए रोमन सैनी सर निकाल लिए लेकिन जो टीचर पढ़े थे वो नहीं निकाल पाए क्योंकि उनके पास ए लॉट ऑफ नॉलेज था, इसने उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने यही बात बोला कि तुम लगाम लगाओ हमारा छोड़ो, अरे समझ में? इसलिए मत सोचना है, ये बिल्कुल ही सोचना ही नहीं है कि हम IAS हैं तब हम IAS रहेंगे तो तुमको इतना पढ़ाएंगे ही क्यों, तुम नहीं समझ में गए एक ही बार बोलो, कमाल की बात है कि IAS रहेंगे तो तुम मेरे से इतना इंटरेक्शन हो भी नहीं सकते, कुछ हो जाएगा बॉडी गार्ड मारेंगे गोली बस। अरे कौन बात इधर प्लीज सुनिएगा, ये बात सुन रहे हो ना? जा रहे सब जा, ऊपर नहीं जा रहे ना, अंदर जाना चाहिए, सुनना ध्यान से, बोलते बोलते नस ढीला हो जाता है ऐसा सुनना, लेकिन मेहनत करना है अपने को, मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है। बहुत लोग आपको बोलेंगे प्लीज सुनना, सब लोग सुन रहे हो? कि मेरा भाई SDM है या मेरा भाई SP है, मैं ऑन कैमरा बोलूँ बार बार, अरे तेरा भाई है तो है या कोई SDM है तो है, आप अपनी पहचान ना हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने काम से बनाना, कोई विधायक है तो है, उसके विधायक के बेटे के साथ आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो विधायक है, क्योंकि इधर थोड़ा चलता है, मैंने इसीलिए आपको बोला है, आप करना तो घर चला सकता है इस दुनिया में कोई नहीं चला सकता, और कोई बोले कि चल मिलाते हैं तुझे SDM से SP से और IPS से, बोला तू मिल हम खुद बनेंगे और तू मेरे से फिर मिलेगा, फिर बात समझ आ रही है? अरे क्या है, है तो है, पब्लिक सर्वेंट है, अच्छी बात है, हम उसको देख के सीख रहे हैं, दैट्स गुड, इसका मतलब क्या हम अपना काम धाम छोड़ कर और उसके पीछे चलते रहे, अरे ऐसा है क्या? प्लीज अपने से पहचान बनेगी, आपके पापा हैं अगर IAS, पापा आपके कुछ रखिए साइड में, पापा क्या है नहीं इधर रखिए, आ रहा समझ में? अगर पापा के पीछे चलते रहोगे चाहे अपने किसी मामा ताऊ, कुछ लोग हुआ ना जदी बिहार में, एक बात है मुझे बुरा लगता है इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को, फिर बोल रहा हूँ, अरे सुन रहे हो बोल रहे हो, यहाँ पे लोगों को लगता है कि बिना हम बोले कि हम फलना विधायक के बेटा हैं या बेटी हैं उनका भतीजे हैं कोई काम ही नहीं होगा। जैसे आप अगर गाड़ी पकड़ा गया आपका, आप बाइक से जा रहे थे, मान लो आपसे मांगा, आप पता क्या बोलोगे, हमार पकड़ ले बड़ा, अभी ये वो फोन आई सारा ठीक हो जाए। भाई गलती भी किया है, हेलमेट नहीं पहना था, मान लो गलती भी किया और ऊपर से क्या है फोन आई तो हो जाए, तो कोई टाइट रहा तो बोलता कर फोन। उसके बाद आप सुनना, मैं बोलना चाहता हूँ यार क्या जरूरी है तुमको अगर अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे का ही मदद लेना पड़ जाए तो काय का इंसान भाई।
अगर तुम गलत भी करो तुम सही करो अपने नाम से और अपने फक्र से रहो कि हमसे गलती हुई है तो हम सुधारेंगे। एक कभी मत बोलो कि हमारे पापा एसपी हैं तो हमको छोड़ दीजिए, हमारे पापा पत्रकार हैं तो छोड़ दीजिए, हमारे पापा बिजनेसमैन हैं तो छोड़ दीजिए। बी इट योर सेल्फ, आप 10,000 भी कमाओ ईमानदारी से कमाओ, गवर्नमेंट को टैक्स दो रहो। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना। तो किसी का चोंचला, और मैंने यही बोला था आपको कि आईएएस बनने से पहले एटीट्यूड जरूरी होता है, और वो एटीट्यूड शुरुआत से ही होता है, और नहीं है तो अपन है चेंज करने के लिए, आपको बता रहे हैं। बस यही रखना कि भाई तू है तो हाँ, रिस्पेक्ट है, तुम है, तुम्हारा पद है, हम तुमको रिस्पेक्ट देंगे, मेरा फर्ज है यार। यस और नो? भाई मेहनत करके तुम बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे नाम से जाने जाए, हम अपना पहचान भी बनाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे। यस और नो? तो किसी का दल्ला नहीं बनना है। आगे नेक्स्ट, चाहे जो आओ अपने लिए इधर आइएगा। और जो इंसान मेहनत करता है वो किसी का दल्ला रहता भी नहीं है, जो नहीं मेहनत करता वो इधर उधर घूमता रहता है, समझे ना, गमछा लपेट के, और जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे समझ में आइएगा जरा। हम थोड़ा सा सब डिवीजन के बाद तो बात कर लिए, अब जरा ब्लॉक लेवल पे आते हैं। क्यों प्रिंस आगे आइएगा इधर, बहुत कुछ बोलने को है, समझना, एक एक शब्द पे जरा गौर करना, बहुत कुछ मिल जाएगा। पर नहीं मिलता क्या? आना आना, बहुत लोगों लगेगा बहुत सुना। इधर आधा, इधर इधर राहुल, देखिए ब्लॉक लेवल पे आ गए आप। आपको एक ऐसा अब एक चीज बताने वाला हूँ आज के क्लास में, जो आपको बहुत कुछ मतलब क्लियर होगा आज। ब्लॉक लेवल पे देखो पंचायत समिति दिख रहा होगा, दिख रहा है? पंचायत समिति और अर्बन लेवल पे आपको कुछ नहीं होता है वहां, कुछ नहीं, वहां चुनावी नहीं होता। आगे अब उसी तरीके से पंचायत समिति, तो पंचायत समिति का हेड ऑफ पंचायत समिति काउंसिल अर्बन लेवल पे कुछ है नहीं। उसके बाद देखो बीडीओ और एसएचओ है, विलेज लेवल पे ये कारनामा करेगा। तो विलेज लेवल पे आपको ग्राम सभा दिख रहा है? yes, हम यहीं पे विलेज कर देते हैं। विलेज पे आपको ग्राम सभा दिख रहा है? yes, तो ग्राम सभा के हेड सरपंच, माने हर जगह सरपंच बोला जाता है, प्रधान मुखिया सब उसी को बोला जाता है, ठीक है ना? जैसे हरियाणा में सरपंच बोला जाता है, प्रधान फिर और बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए इधर इधर जो बताना है वो ये है, सुनिएगा। फिर ग्राम सभा का हेड, फिर ऐसे चलते जाइए, और फिर इसके नीचे लोअर ऑफिसर होते हैं, फिर इंस्पेक्टर वगैरह होगा, ठीक है ना, तहसीलदार होता है, बहुत सारा कुछ होता है। यहाँ जो मुझे बताना है, जरा देखिए, आपको हम एमपी कब बोलेंगे? जब आपको जनता ने जिताया है, आपको जब जिताया तभी तो हम एमपी बोल रहे हैं। यस और नो? तो यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का सदस्य, ऐसे समझ, इसको सांसद बोलते हैं। सुनिए, मैं मीनिंग तोड़ रहा हूं, इसीलिए सुनना। ये जो एमपी है वो एमपी क्यों बना? क्योंकि आपने उसको जिताया, इलेक्शन लड़ा था, आपने उसको जिता दिया। लेकिन पता है, आप जैसे एमपी हो लोकसभा में, इधर सुन लेना सब, लिखना साले, ग्राम सभा में आप खुद एमपी हो, एमएलए हो, अगर आप 18 प्लस के हो तो। और यही क्वेश्चन 66 बीपीएससी में और उससे पहले पूछा गया था कि आप ग्राम सभा के सदस्य कब हो सकते हैं। एक ही कंडीशन है, अगर आप 18 प्लस हैं तो आप ऑलरेडी ग्राम सभा के सदस्य हैं, आपको किसी चीज का इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप गांव के ऑलरेडी एमपी और एमएलए खुद ही हो बिना इलेक्शन का। यही क्वेश्चन पूछा था, कब? जब आप 18 प्लस के हो तब। तो इफ यू आर 18 प्लस देन यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। यही पूछा था कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, नीचे चार चार ऑप्शन, उसी में एक ऑप्शन था अगर आप 18 प्लस हैं तो, उसमें था अगर आप मुखिया हैं तो, अगर आप विधायक हैं तो, अगर आप ये जीते हैं तो। भैया कुछ नहीं, आप 18 प्लस हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, यानी कि एमपी और एमएलए आप खुद ही हो, तसन में रहो। लोकल लेवल पे भी, यानी कि विलेज लेवल पे या अर्बन लेवल पे, आप खुद ही अपने विधायक हो। आ रहा समझ में? यही क्वेश्चन पूछता है। आधा सा लोग बोलेगा इलेक्शन लड़बे नहीं किया, विधायक हम कैसे समझेंगे? तो या ये ग्राम सभा पे है, लोकल लेवल पर। सुनो इधर, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। हम लोग यहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, स्टेट लेवल पे भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी था, लोकल लेवल पे क्या होगा? भैया लोकल लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगा, क्योंकि देखो आप जिला परिषद को भी तो खुद ही चुन रहे हो, इधर सब तो सब आप ही चुन रहे हो, डेमोक्रेसी। लेकिन सेंटर और स्टेट में आपको
डेमोक्रेसी। अरे समझ में? अरे नहीं आ रही क्या? अब इस टेबल को वापस देखो, ठीक। और इस टेबल को देखने से पहले जो आपका नेक्स्ट पेज पे है उसके नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लो। अब इधर देखना, अब देखो तहसील में नहीं बताऊंगा, ये दो कारण से मैं बताऊंगा, ये थोड़ा कारण है। हाँ मैं तहसील होगा उसके पीछे कारण है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग भी रिसर्च करिए। वैसे तहसील बहुत कॉमन वर्ड है यार, ठीक है। देखना आप उसमें, इधर देख लो पहले, जो मुझे एक बताना है पहले जो जरूरी है वो देख लो। देखना नीचे आपको ग्राम पंचायत दिख रहा है। Yes, sir. अब अपना डिस्ट्रिक्ट जहां मैंने लिखा है वहां देखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है। Yes, sir. उसको दो पार्ट बांटा गया है। Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल कोर्ट भी तो होगा। Yes, sir. और एक क्रिमिनल कोर्ट भी तो होगा। Yes, sir. तो एक हो गया सिविल और एक हो गया क्रिमिनल, ठीक। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अब भैया उसके नीचे क्या होगा? ग्राम लेवल पे ग्राम न्यायालय होता है। Yes, अरे होता नहीं है? Yes, होता है। जिसको ग्राम न्यायालय ग्राम पंच जो बोलते हैं। ग्राम तो इधर अब आप आना जरा पेज नंबर 18 पे, जल्दी से आओ जल्दी से, एक मिनट आ जाओ। हाँ हाँ उसको बता देते हैं, ठीक है ठीक है। रुक जाए वेट। पहले जो आपको ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, इधर आ जाओ, ध्यान यही रखना, इधर उधर मत लेके जाना, भटकाओगे तो नहीं आएगा। सेंटर में मैंने बोला सुधो, जैसा बोल रहा हूं वैसे समझते जाना, उसी पैटर्न पे, अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सेंटर में सबसे पहले आप थे, सेंटर में आपको मैंने बोला घर है आपका लोकसभा, लोकसभा का हेड है पीएम, मतलब कि मंत्री लोग का हेड समझो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके अंदर बहुत सारे काम किए। अब आ जाओ स्टेट पे, स्टेट पे आए एसएलए हुआ, तो एसएलए में मैंने बोला कि आपके पास एसएलए में जो है एमएलए वगैरह होंगे, तो विधायक के इन सारे बहुत सारे मंत्री के ऊपर क्या बनेगा? सीएम। मैंने बोला था एसएलसी होते हैं बहुत कम राज्यों में एसएलसी होता है। अब उसके बाद मैंने इन सब आईएएस का आपको बताया कि हेड क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी। अब इसमें क्या कंफ्यूजन? अब आगे आना, अब आना जरा पेज नंबर 18 पे वापस जल्दी से। वहां मैंने सारे फुल फॉर्म बकायदा लिखे हैं, जो फुल फॉर्म नहीं लिखे होंगे वो थोड़ा बहुत आप सर्च किया करिए, सारा कुछ आप खुद ऑफिस है ना, थोड़ा आप खुद तैयारी करिए। ऐसे मतलब सारा कुछ कितना आदमी करेगा, मैं जितना कर दिया हूँ बहुत है, बहुत नहीं है क्या? Yes, इनफ है यार, उतना नहीं तो आप सोचो अगर यही चीज मैं लिखवाता ईमानदारी से, सब बताना हो जाता एक क्लास में, ये हालत खराब हो जाती। अब पता है आप लोग ऐसे लिख रहे होते, सुनो हाँ लिख, अब मैं लिखवा रहा हूँ तो फटाफट आप बोलते सर सर रुके ना सर रुके। अब हमें हम मिटा दिए, फिर पीछे से जा सर मिटा दिए। अरे मतलब ऐसा लहजा भी होता है यार, यही कुछ ले बोले करे अलग अलग आवाज आएगा, इसीलिए भैया उस आवाज से बेहतर है कि आप तक मैं पहुंचा दूं, ठीक है। आना जरा आगे, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिख रहा है। Yes, sir. SDM का फुल फॉर्म सब डिविजन मजिस्ट्रेट, SDPO है, SHO है, कैबिनेट सेक्रेटरी मैंने लिखा है। इधर नोट देखना, IAS बनने के बाद फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी SDM से स्टार्ट होगी, देन कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच बनेगी। MP MLA आप इलेक्शन से बनेंगे तब आप लोकसभा या SLA के मेंबर बनेंगे, बट इफ यू आर 18 प्लस देन ऑलरेडी आप खुद से ही मेंबर हो ग्राम सभा के। सिमिलरली अगर आप 18 प्लस हैं तो आप वार्ड के मेंबर हैं, या आप 18 प्लस के हैं तो आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, आपको किसी इलेक्शन में जीतने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर 18 प्लस देन यू आर द MP MLA ऑफ योर ग्राम सभा और वार्ड लेवल। कुछ मजा आया क्या? Yes, पक्का? Yes, तो पॉलिटिक्स से प्यार हुआ कुछ? Yes, और सुनना ध्यान से, ईमानदारी से, इसलिए बोला था सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा ज्यादा बड़ाई कर दूं तो पचा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए ना इधर ध्यान से, आज जो पढ़े हैं, पहले मैं सम अप करता हूँ, उसको समझो थोड़ा, ठीक है, सम अप करता हूँ, ठीक है, ओके। देखना जरा क्यों प्रभास प्रभास मजा नहीं है? अभी देखना इधर देखना, हाँ यार आप लोग दे देना यार, बहुत बहुत चार्ज है अभी, ठीक है, फी दे देना सब।
अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल देखो मैं आपको एक बात बोला था, सुनना ध्यान से, मैं ऐसा, मैं नहीं बोल रहा कि अपन, मैं ऐसा आदमी हूँ, सुनना इधर देख लेना, देख लेना राहुल ऐसा भी लोग बर्दाश्त कर लेना, टू मिनट। मैं बोला था ना कि मेरे से अगर जैसे मैं बोलूँ, मैं ऐसा खुद को बना लिया हूँ ना कि अगर मेरे से कोई गलती जैसे करता ना, धोखाबाजी कोई भी कुछ किसी भी टाइप का या बुरा करता है, पता है उसको कुछ दिन बाद खुद ही महसूस होगा किसके साथ किए हैं भाई, समझ में आ रहा है, इसके साथ नहीं करना चाहिए था, समझ में आ रहा है। मैं पूरा गिव अप ही कर देता हूँ, मैं बोला ना मैं जो हूँ वो पूरा ओपन आपके पूरा आप तक छोड़ दिया, अब आप ही डिसाइड करो, मेरे मन में इधर इधर है ही नहीं कुछ, ऊपर नीच नीच जात पात धर्म कुछ है ही नहीं, ओपन पूरा, किसी धर्म के हो जाति के हो कैसा भी आप इंसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं एक या दो मौका देता हूँ, मैं तीसरा मौका कभी नहीं देता, मैं तीसरा मौका पे मैं ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ बहुत जल्दी। आपसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कुछ भी, मेरे को कोई गाली दे, कोई बोल भी दे मेरे बारे में, कुछ भी बुरा दे दे, मैं सच्ची बता रहा हूँ एक ही चीज़ है, कुछ दिन बाद उसी को अफसोस होना है। और मैं इसीलिए आपको बोला था कि मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बोलने के बावजूद तुम खुद अफसोस करो, क्योंकि मेरे से इतना भी किसी को परेशानी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अरे समझ में किसी भी लेवल पे, और तुमको अफसोस होगा क्या प्रभास? अब आगे जरा अब आगे इधर देखना। तो अब जो मैंने पढ़ा है वो थोड़ा समअप कर देता हूँ, और समअप करने में पहले मैं बता रहा हूँ उस बात को जरा गौर फरमाना, मैंने पहले आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बताया, सुन लेना सुन लेना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मैंने बताया कि आप प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सेमी प्रेसिडेंशियल, मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड है तो क्या होगा रिपब्लिक, अगर प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं है तो मोनार्क। आज समझ में आया होगा कि मोनार्की कैसे होता है। उसके बाद मैंने हेड ऑफ स्टेट बोला, हेड ऑफ स्टेट जो सेरेमोनियल औपचारिक है, अगर हेड ऑफ स्टेट बराबर हेड ऑफ गवर्नमेंट हो तो क्या होगा प्रेसिडेंशियल, अगर हेड ऑफ स्टेट भी हो हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास रियल पावर हो तो पार्लियामेंट्री, और दोनों हो लेकिन उसमें प्रेसिडेंट बड़ा है तो सेमी प्रेसिडेंशियल। और रिपब्लिक और मोनार्क का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। फिर पूरा टेबल में बताया, इमेज करना, इमेज रटना मत, सेंटर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक। स्टेट पे सेम SLA MLA, फिर यहाँ CM, फिर उधर जाते जाओ अपना ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी आगे, उधर कैबिनेट सेक्रेटरी, इधर चीफ, इधर उसी तरह से लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ये सारा हो। अब ये जो मैंने पूरा आपको बताया, और एक बात याद रखना, जाके देखना, देखना भी क्या मतलब नहीं भी देखना, विश्वास तो है ही, जो बोला था यही कि आप ग्राम सभा के सदस्य तभी हो जब आप 18 प्लस हो, तो आप ऑलरेडी हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां से बोलना, मजा आया क्या? पक्का? तो अब एक और चीज है कि जो लोग आप लोग देख रहे हैं, जो भी कुछ है सब दिमाग में ही रखिएगा, न्यू बैच है, थोड़ा एफर्ट मारिएगा और बढ़िया होगा काम, ठीक है ना? हम चाहते हैं कि उसको हो, आप लोग एफर्ट मार भी रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन यही 2-3 दिन मार दीजिए खींच के, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब होमवर्क ये है कि ये जो टेबल दिया, इस टेबल को आप बड़े सीट पे अच्छे से बना के चिपका के और ग्रुप में डाल दीजिए, हो जाएगा? और ये मैं नहीं भी बोलता तब भी इस टेबल को आप बनाते, समझ में आ रहा है? लेकिन बनाइएगा थोड़ा बड़े पेज पे, और वापस से पॉलिटी के कुछ अलग आनंद आएंगे। तो प्रभास अब मैं पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ, और उसके बाद इसी तरीके से जो बताऊंगा, समझना ध्यान से, समझना बस बस इतना समझ लेना, इधर 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 समझिएगा प्लीज, नहीं नहीं देखिएगा इधर क्या क्या देखो देखो इधर रुको रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, हिस्ट्री को मैं खोपचे में पढ़ाता हूँ, समझ रहे? हाँ अरे अब मैं बता रहा हूँ, देखो IR को जो अच्छे, सुना दे, IR को जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा, मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, उसको हिस्ट्री हो जाएगा 0। IR जो पढ़ लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हिस्ट्री जो पढ़ाता हूँ बहुत कम पढ़ाता हूँ, मात्र 7 दिन, और इसलिए क्योंकि मैं उसके पहले IR आपको पढ़ाता हूँ, और अगर IR के पढ़ने के बाद 7 दिन में भी आप नहीं पढ़ सकते तो आप हो भैया 7 days, तो आप 7 दिन में आप हो भैया क्या प्रभास? और जिसको जिसको अब डाउट होगा मैं कोपचे में सुनाऊंगा। बाकी बाकी अभी जो सुनो अभी जो अभी जो टॉप अभी सुनो जो टॉपिक दिया था वो अभी डिस्कशन कर लेते हैं तब चलेंगे, ठीक है? तो रेडी, अब सब चुप हो गया।